पागल हूँ कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे खोपड़े में इतना टेंशन रहता है तेरे को मालूम क्या? सबके खोपड़े में टेंशन है भाई, तुम अकेले नहीं हो। कमेंट्स पे इतने अच्छे लाइक्स कैसे आते हैं? मैं अभी दिखाता आप लोगों को, लेकिन यार वही मसला है ना, फिर ऐसे पकड़ूंगा इसमें लिंक नहीं कर सकते। यही तो भी तो मसला है ये बेचारे गरीबों का। किंग आमिर इज बैक। हाँ तो कब से बैक है वो, तो थंबनेल लगाओ ना। लगाया तो है, एक सेकंड यार, अभी तो लगाया मैंने, एक सेकंड लगावा तो है तुमने यार, क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिग फैन, रिप्लाई मी अब्दुल कदीर। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल यार? एक तो ये एंट्री का बड़ा मसला है यार। गाइस जी मेरा अकाउंट नंबर ये रहा, जिसको पैसे भेजने भेज दो, माइक खरीद लूँ मैं। कल ना एक बंदा मुझे बोल रहा है कि ना अब्दुल को बोल रहा है चमाट मारो इब्राहिम को लास्ट लाइफ के एंड में, सही है? मैंने बोला अच्छा अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, 1000 रुपये दो और एक चमाट खाएगा मारूंगा, मतलब अब्दुल मारेगा एक चमाट। बोले हाँ भेजता हूँ, वहाँ भेजता हूँ। मैंने हाँ भेज, बोले बाद में भेज दूँगा। मैंने ओके, मैंने लाइव एंड कर दी फिर। अच्छा मैंने ये लगाया हुआ था, इसका मैंने हटाया नहीं अभी। भाई पुराना लगाओ थंबनेल, हरीम शाह इज लीक। हरीम शाह लीक हो गई, हरीम शाह इज लीक, वाओ। कहाँ से लीक हुई? आज व्यूअर्स बहुत कम है, वाई नोटिफिकेशन नहीं आई किसी को किया गया गई क्या? आज 7 लोग हैं सिर्फ यार, इतने तो नहीं होते शुरू शुरू में यार, ज़्यादा होते हैं। ये जिसने लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक कर दे। भाई सवाल करूँ, मैं सवाल करूँ 8 लोगों से क्या सवाल करूँ, लोगों को आना पूरा यार। अभी मैं 3-4 सवाल लेके आया हूँ आज मैं। इब्राहिम भाई सलाम अलैकुम, इब्राहिम भाई वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू गाइस? हेलो 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 लोगों को अपनी स्टोरी पर रोने वाले गाने लगा, क्या मजा आता है। हाँ तुम दुखी हो बताना क्यों जरूरी है कि यार मैं बहुत सैड हूँ यार, बच्ची छोड़ गई यार, अबे यार ये हो गया यार, वो मेरा मैसेज सीन नहीं कर रही यार, अबे यार मैं क्या करूँ यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ यार, दुनिया को क्यों बता रहे हो यार। देख सैड वाले गाने लगा के इतना डिप्रेस क्यों है लोग यार, क्यों इतना डिप्रेस लोग, क्या वजह है? लोग इतना डिप्रेस क्यों हैं?
ऐसा क्या क्राइसिस आया हुआ है सबके ऊपर, लोग इतना वो क्यों है डिप्रेस्ड। और आप के कर रहे हैं लाइफ से पहले, आप केस कर रहे हैं, मैं क्या समझा नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ से पहले। मैं अभी उठा, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, फिर उसके बाद इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या लिख रहा है भाई, फेक वायरस, ये रियल वायरस या फेक, फेक है ये। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फरी हेयर। मैच का क्या बना, मेरे ख्याल से बारिश हो गई है, सुनने में तो आ रहा है ना मैच कैंसिल हो गया है, कैंसिल हुआ या पोस्टपोन्ड हुआ या अभी रुका हुआ है पता नहीं कुछ, मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा मैच आज। वेयर इज अब्दुल यार, अब्दुल सो रहा है भाई। बारिश रुक गई शायद, हाँ शायद बारिश रुक गई है। मैच डिले ड्यू टू रेन, अच्छा डिले हो चुका है। आप वैसे किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, पटवारी को या पीटीआई को? मैं भाई मेरे सपोर्ट करने ना करने से कुछ होता नहीं है, देखो सही ना, ना आपके सपोर्ट करने करने ना करने से कुछ होता है, ना किसी पूरी आवाम के सपोर्ट करने ना करने से कुछ होता है, समझ रहे हो ना। ये पाकिस्तान है मेरे भाई, मैंने पूरे 150 भेज दिए, थैंक यू। पाकिस्तान में सुपर चैट नहीं है तो फैन फंडिंग तो ऐसे ही करेगा ना गरीब इंसान। यू आर फर्स्ट सुपर दैट आई कैन वॉच लाइव स्ट्रीम, ओ थैंक यू। पहचाना, अरे यार ये हर लाइफ के आगे पहचाना पहचान क्यों पड़ता था। वैसे आपके अब्बू किसको सपोर्ट करते हैं, मैंने कहीं पूछा ही नहीं अपने अब्बू से, बोलो सपोर्ट करने करने तो होता नहीं। आपने जिसको सपोर्ट किया वो क्या पार्टी आ गई क्या? आपके सपोर्ट करने तो कुछ नहीं होता भाई, ना आपके वोट करने से कुछ होता है। ऐसा फैन फ्रेंडिंग ऐसे करते हैं स्ट्रीमर तो इजी पैसा पिन कर देते हैं। अरे यार मेरा इजी पैसा बना हुआ नहीं है, बनाऊंगा अभी। ये अकाउंट नंबर है जो दगा हुआ है, अकाउंट नंबर भी आईबीएन नंबर भी है वो, जब जो पूरा पीक है आई ए 12 सोनी जो है ना, ये क्या बोलते हैं जो पूरा, ये आईबीएन नंबर है और 200 अकाउंट नंबर है, 200 से ले गया अकाउंट नंबर है, वो सुनहरी बैंक है। मैच अपडेट देखकर बताओ, बारिश हो गई है, रुक गया मैच यार। प्रेम भाई पुरानी शर्ट पहनी, पुरानी हाँ सजाद की है, सजाद को दे दी, सजाद को दे दी मैंने, ये अभी ये कोई शर्ट मिल नहीं रही जो ये पहन लेते हैं आज। ज़बरदस्त है, कल अच्छी खबर ली उन्होंने, अरे मेरी थोड़ी ली खबर, मैं तो अभी क्या बोलते हैं उसको मैंने आवाज़ इसलिए बंद कर दी क्योंकि अच्छी बात है ना, फैमिली फ्रेंडली लाइव स्ट्रीम होती है अपनी, ट्राई करते हैं अपन। स्टार्ट हुआ या नहीं, वे नहीं हुआ स्टार्ट यार, बारिश हो गई है, मैच डिलेड ड्यू टू रेन, बारिश हो चुकी है, बारिश की वैसे मैच डिले हो चुका है, इसलिए इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। मैच डिलेड, हाँ जी नहीं हुआ स्टार्ट ब्रो, नॉटी नहीं, नॉटी वॉट ही नहीं, मैं तो क्लियर कर रहा था बस एक बात, ताकि आप लोगों का दिमाग वहाँ ना जाए ना, इसलिए भाई तूफ़ानी बारिश हुई है, आपको पार्ट्स है, पार्ट्स पता है मेरे को, हाँ पता है, मैंने देखी थी रील, तुम बेहिस हो
मेरे बचपन के कातिल हो। उस पे वो तो बहरा था, सब पता चल लगा, देखा था मैंने रील। अभी आपकी क्लास में स्टार्ट की है तो ऐड आई ही, मैंने ऐड स्किप नहीं किया, पूरी देखी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया स्ट्रीम पे आने के लिए। कोई मसला नहीं है भाई, वैसे ऐड आप स्किप कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो ऐड आपके स्क्रीन पे शो होती है ना, उसके वो काउंट होते हैं। ऐड पूरी देखी के एंड तक देखी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। तो हाँ हो रहा है स्टार्ट, बारिश रुक गई है। अच्छा हो रहा है स्टार्ट। मेरा रियल नेम अली शिराल मलिक है, शिराल मलिक या शिराज मलिक। ब्लॉग बनाने का तरीका बताओ प्लीज़। आपको ब्लॉग कैसे बनाना है, डकी या मास होता जैसे, या इरफान जुने जो जैसे। यार तीन ऐड आ चुकी हैं अभी तक। अच्छा वाह यार, अच्छी अच्छी बात है। तो आप लोग को थोड़ा वो डिफ़िकल्टी हो रही होगी, सॉरी इसके लिए, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है। मेरा मुंह भी बीच में आ रहा है ना, तो अगर कर लूँ कर लूँगा तो फिर मैं थोड़ा ऐसे हो जाएगा कैमरा। शेर अली मलिक या शेर अली, अली शेर, अली शेर, शेर अली। अच्छा आप शेर हो या अली हो या मलिक हो, तीनों आपके नाम है। क्या हो रहा है इधर, कुछ नहीं हो रहा भाई, क्यों मैंने करो। हाँ कर लो, मुझे मसला नहीं है, पूछो सवाल। मैं तो सोचा था आज थोड़ी बहुत अपने एतकाफ़ की कहानी सुनाऊंगा, जो मैंने कल भी एतकाफ़ की कहानी का बोला था लेकिन सुनाई नहीं थी फिर, है ना। तो आज अपन एतकाफ़ की कहानियाँ सुनाएंगे आपको, कि एतकाफ़ में जो जो फड्डे हुए और जो जो तफरियाँ हुई। तफरियाँ ऐसे करने गया, मैंने नहीं करी कुछ भी, मैं सिर्फ सिर्फ देख रहा था मैं, बस मैंने कुछ मस्तियाँ वस्तियाँ नहीं की। आप इस आपके पास बारिश है क्या भाई? नहीं अभी यहाँ पर तो नहीं हो रही, लेवल पिंडी में हो रही है, पिंडी पिंडी में। वैम्पायर बैटरी को जानते हो? जी हाँ जानता हूँ। वैसे 5 महीने की पहली वीडियो भी सेम का रिजल्ट है, और वॉइस भी कैसी भाई, वो पहले किसी से सीखा होगा यार। सीखा तो जाहिर सी बात, सीखने सबको ज़रूर होते, देखो क्या बोलते हैं, पेट से कोई सीख के नहीं आता, सही है ना। सीखना सबको पड़ता है, लेकिन क्या बोल रहा था मैं, कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मैं बात भूल जाता हूँ मैं बोल क्या रहा होता हूँ। बोल रहा था कि कोई माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता, सब दुनिया माँ के सीखते हैं, लेकिन फिर भूल गया। ये अलग कमेंट पढ़ के थंबनेल पुराना वाला लगाओ। ओके भाई पुराना हो गया, इसमें इसमें होगा नहीं यार पुराना वाला, सर मैं देखता हूँ यार लैपटॉप में होगा नहीं। लैपटॉप में मुझे पहले वो फ़ोटो गूगल में चेंज कर सेव करनी पड़ती है, उसके बाद जाके होता है यार। शिट यार नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं पाया ही नहीं इस वाले में। नहीं वीडियो और स्ट्रीम में एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपने शर्ट में टिकटॉक भी बनाया था ना, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। एक सेकंड में आया यार, फ़ोन से लगा लो। अरे फ़ोन पे मुझे लाइव एंड करनी पड़ेगी इसके लिए, फ़ोन से लगाने का तो लाइव एंड करनी पड़ेगी। मैं एक स्पिन पानी की बोतल लेके आया यार। भाई स्क्रीन पे अकाउंट नंबर किसके लिए है, किसका, किस, अच्छा किसने लिखा है ये? सलमान निसार मेरे वालिद साहब का नाम है, सही है ना। एंड सेकंड थिंग, कल ना मैंने बताया ना, कल एक बंदा बोल रहा था कि अब्दुल को बोल रहा था कि इब्राहिम को चमाट मारो, सही है। मैंने बोला
तुम्हारे साथ है। मैंने बोला कि ना 1000 रुपये भेजो मुझे, अब्दुल से चमाट खा लूँगा, फुल जोर की चमाट, फुल जितनी जान लगा सकता है अब्दुल उतनी ज़ोर से चमाट मारेगा अब्दुल मुझे, सही है। उसने बोला डन। मैंने बोला 1000 रुपये भेजो पहले, बोला बाद में भेज दूँगा मैं। तो मैंने ना स्क्रीन पर वो अकाउंट नंबर उस वक्त लगा दिया था, बोला बाद में भेज दूँगा बाद में भेज दूँगा, अगर टोपी करा के चलाया। मुझे पता था वो नहीं भेजेगा, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर लगा दिया, लेकिन अब मैं लगे रह दूँगा क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोग पूछे थे फैन फंडिंग। तो अब अकाउंट नंबर पे फैन फंडिंग होगी, ये जो अकाउंट नंबर है इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पे अगर आपको कुछ मदद करनी है भाई की, कुछ ऐसे ही भाई के लिए भेजना है तो कुछ पैसे वैसे भेज सकते हैं। नहीं भेजना तो मसला नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, अब मैं हटा नहीं रहा, तो फैन फंडिंग भी साथ साथ हो जाएगी। ओ भाई साहब सुपर चैट, ओ भाई इसको कैप्चर कैसे करूं मैं, मोबाइल का सुपर चैट फर्स्ट टाइम, ओ भाई साहब $1, ओ भाई साहब सुपर चैट, नाचने का दिल कर रहा है मेरा तो। एक और सुपर चैट, रिकॉर्ड सुपर चैट, $2-3 आ गए, मैं नाचू, $3 भेजे। अरे भाई सरकार भाई, फीलिंग प्राउड। अरे यार मेरे को, मैं रो दूंगा यार, इतने पैसे तो मैंने अभी तक मोंडा से मंगा के नहीं कमाए। भाई साहब आई एम शॉक्ड, धक धक दिल हो रहा है मेरा, धक धक दिल, फर्स्ट सुपर चैट, ओ माय गॉड, कैसे सरकार भाई लव यू हो गया, रियल भाई $3 भेजे भाई ने यार, अरे भाई लव यू हो गया यार, शाउट आउट टू सरकार सोहेल भाई। भाई साहब आई एम, एक और सुपर चैट, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सरकार भाई आपको सैल्यूट मेरी तरफ से, सैल्यूट और क्या बोलते हैं, और ये लो मेरी घड़ी रख लो आप यार, ये लो, और मेरा ये वॉलेट भी रख लो आप मेरी दूसरी घड़ी भी रख लो यार। भाई साहब मेरे को इतनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकता, अभी पहली सुपर चैट आई है मेरे उसकी। मोए मोए नहीं हो आप, क्या बोलते हैं सब, खुशी वाले हो क्या बोलते हैं यार, खुशी वाले सीन क्या बोलते हैं, खुशी हो क्या बोलते हैं यार, मोए मोए नहीं हुआ ना, कुछ और क्या बोलते हैं उसको यार, लाइव स्ट्रीम में डिले तो नहीं है सर ब्रो, ओके थैंक यू यार, लव यू हो गया भाई यार, पहली सुपर चैट भेजी है, पहली दफ़ा सुपर चैट किसी ने भेजी है मेरे को, और कितने कितना डॉलर टोटल भेजा हमें, टोटल टोटल डॉलर, एक सेकेंड में चेक करूँगा, पहले $1.5, फिर $2, फिर $1। अरे सर थैंक यू यार, थैंक
यू सर, थैंक यू यार, थैंक यू, सैल्यूट यार आपको यार। सुपर चैट आई मेरे को, सुपर चैट देरा, ये देख कितने की देरा, कितने पहले $1.50, फिर $2, फिर $1, इतने नहीं हुए बेटा, हो गए। ओ भाई साहब, कैसा? अरे भाई बंदे ने भेज दिया, मेरे को यकीन नहीं आ रहा, मैं दिल कर रहा नाचूं खड़ा होके इधर अभी। आप लोग ही भेजो, आप लोग ही भेजो। हाँ डॉलर नहीं यूरो है, अरे यूरो नहीं डॉलर है यार, यूरो होगी तो पागल हो गया। अरे अरे ये यूरो थोड़ी, यूरो है ये। हाँ तो डॉलर का साइन अलग होता है, यूरो है तो यूरो इतने से बनते हैं सिर्फ। कितने से? यूरो मतलब बहुत महंगा है यार। 3.5 to $4.5 कितने हो? $4.5 अब ये क्या हुआ? $4.5 कितने होते हैं? $4.5 या $4.5 देखते हैं पहले ना, सफर गूगल पे जाके देखते हैं ना, अपन तो पाकिस्तानी, अपन को क्या पता कितने होते हैं। $4.5 हाँ सही है, डॉलर ही भेजा उसने। 1,200 रुपये नहीं है भाई, क्या हो गया? अरे खुशी से पागल हो रहा हूँ मैं, यूरो है ये तो, मेरे पास डॉलर क्यों आए फिर? यूरो नहीं है यार ये, यूरो भी शायद इतने का ही होता हो लगा, 4-4 यूरो। हाँ मुझे पता है यूरो डॉलर से महंगा है, 4-4 यूरो लगा, क्या पता 500 रुपये यूरो। हाँ इतने ही तो मैं यूरो भेजे हैं, यूरो भेजे, यूरो कितने का? यूरो भेजे हैं, हाँ यूरो भेजे हैं, कन्फर्म हो गया यूरो भेजे। पैसे आएगा अकाउंट में आएंगे ना? अभी अकाउंट में नहीं आएंगे, अगले महीने आएंगे, मतलब अभी उनमें काउंट हो जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में, फिर उसके बाद अगले महीने आएंगे। गाइस वोट दे दो डियर, वोट दे दो डियर, मैं दूंगा इसको, वो करना पड़ेगा आसान। अगर अभी इस घर में कुछ डेयर ऐसा है, कुछ खाने पीने वाला है, कुछ करने वाला डेयर, तो मैं कर सकता हूँ, अभी बाहर जा सकता हूँ भाई। लेकिन मुझे बताओ सुपर चैट करते किस तरह हैं यार, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नहीं कर सकते आप। एक और सुपर चैट कितने की? $1.50 यूरो, यूरो हाँ वही €1.50। अरे घूम गाऊंगे गाड़ी तेरे मोटे मोटे, वैसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चार सुपर चैट में तेरे $2,000 तक हो गए, एक और चैट आ जाएगी तो तेरे $2,000। मैं आया जरा हम लोग बता के, एक और आ गई माशाल्लाह, हैविंग इंटरनेट जिंदगी, एक और सुपर चैट €96 का है। ओ माय गॉड, और भेजो और भेजो। अब्दुल किधर है? अब्दुल सोरा है, अब्दुल किधर है? ये फेक है, आपके पास कोई पैसा नहीं आया है। एक और आ गई सुपर चैट यार, एक और यूरो आ गया बे यार, अब्दुल किधर, एक और यूरो आ गया। तेरा मुंह छुप रहा था देख, तो बैठना तो बैठ जा, मना नहीं कर रहा तेरे को मैं, तो बहुत बहुत कम आता है लाइव स्ट्रीम पे वैसे। वैसे यूरो देख के आ गया भाई, एक दफ़ा 5 भेज दो। अरे भाई साहब ये मेरा असल फैन है, इसको कहते हैं, इसको इसको रियल फैन कहते हैं। 296 का यूरो, जिम लवर आ गया, चला भी गया भाई। आप व्लॉग बनाना बना ही, मैं ये सीन जो ना ये सुपर चैट रिकॉर्ड करने वाला, ये मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालूंगा यार। सरकार भाई आपको मेरी तरफ से शाउट आउट यार, लव यू हो गया, लव यू, फर्स्ट टाइम सुपर चैट, वो भी इतने सारे यूरोज़।
ज़रूर कल भेजूंगी आपको इंशाल्लाह। मतलब ये भाई देखो क्या लव यू, या जो जो भेजेगा उसको मेरी तरफ से लव यू। हाँ अपन कहाँ थे, बाकी खुशी मना ली हो तो मैं आपको अपने एतकाफ़ की कहानियाँ सुनाने वाला था, है ना। एतकाफ़ की कहानियाँ, हम जो फर्स्ट आया फर्स्ट ब्लॉग से आपको देख रहा हूँ, आपका रियल फ़ैन नहीं है क्या? मतलब ये भी मेरा रियल फ़ैन है, मतलब ये है मेरे रियल फ़ैन ऐसे, मतलब जो अभी अभी 18 लोग देख रहे हैं वही मुझे मतलब भाई देखो मुझे भी जो 18 लोग देख रहे हैं और जो 22 लाइक करे हैं लोगों ने, दैट्स की बात है, वही मेरे वही फ़ैन हैं या सब्सक्राइबर हैं, तभी तो मेरी वीडियो को लाइक करके और देख रहे हैं ना अभी तक, क्योंकि ऐसे मैं जिसका फ़ैन नहीं होऊंगा मैं उसकी वीडियो क्यों देखूंगा, दैट्स की बात है भाई। ज़ाहिर बात है हर जगह भाई, अब तो किसी का फ़ैन नहीं उसकी वीडियो देखेगा, तू देखेगा रोज़ देखेगा, रोज़ की रोज़ घंटे घंटे की लाइव स्ट्रीम देखेगा उसकी, तू फिर जो फ़ैन है वही देखेगा ना, ऐसी बात है। अब जो ये 20 लोग देख रहे हैं ये मेरे रियल फ़ैन है, लव यू हो गया। बेटा जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे चैनल पे आएंगे ना यूरो तो तुम पता चलेगा, मेरे चैनल पे जब यूरो आएंगे अब तुम पता चलेगा मैच का क्या हुआ, स्टार्ट हुआ कि नहीं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है ना, भाई मेरा नाचने का दिल कर रहा है, सरकार भाई पाकिस्तान में रह के कैसे भेजी आपने, मैनंग रंग ले लाना शुरू हो गई माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसकी एक सुपर चैट जो उसने भेजी थी ऑर्डर वाली, मैंने इतने भी नहीं कमाए थे अपने उससे भाई, मैंने सुना सुपर चैट आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू, शाउट आउट टू सरकार भाई। एक दिन बहुत बिग स्ट्रीमर बनोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई अब चलो बहुत टाइम पास हो गया, अब थोड़ी कहानी आपको सुना था कि आप लोग बोर ना हो, कहानी मतलब वो नहीं कि मतलब जो मेरा सीन हुआ था ना, एक जो एतकाफ के लास्ट दिन में जो सीन हुआ था वो सीन सुनाते हैं आपको, लेकिन पहले भाई सुपर चैट कैसे करते हैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा है नीचे मोबाइल में, देखो वहाँ पर चैट पे इतनी चैट लिखी होती, चैट साइड में एक ऑप्शन होता है, अगर नहीं आ रहा आज की डेट नोट कर ले, आ कर ली भैया सुपर चैट मज़े आ गए यहाँ भाई, मज़े कसम से यार आए, मज़े आए 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 आए, आज की डेट नोट कर ले, हाँ 4/18 कहाँ नोट करूँ, हाथ पे लिख दूँ खून से, सो आगे बढ़ते हैं यार। इस बात ये है कि हमें पता नहीं कि कैसे करते हैं, समझ रहे आप बताओ फिर कैसे डॉलर आते हैं यार, आप YouTube पर सर्च कर लो, मेरे को भी मैंने आज तक कोई प्रोडक्ट करी नहीं, मुझे आती नहीं है, YouTube पर सर्च कर लो, पाकिस्तान में ऐसे करना मुश्किल है तो पाकिस्तान में सर्च कर दो, हाउ टू सेंड सुपर चैट इन पाकिस्तान, डेयर सोच रहा हूँ इब्राहिम को वो ही करना पड़ेगा, स्पैम कर दो तू पहले डेयर बता फिर देखते हैं। मैं कल ज़रूर भेजूँगा, ओके ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा कहानी शुरू हुआ है ना, अब हम लोग हर दफ़ा एतकाफ़ में बैठते हैं ना, शुरू करते हैं कहानी की, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं बैठा था एतकाफ़ में, सही ना, और वो मस्जिद में एतकाफ़ में मैं इसलिए बैठा था क्योंकि मेरे अबू जब एतकाफ़ में बैठते थे वो भी वहीं बैठते थे, और जब मेरे दादा ज़िंदा थे तब वो उसके उधर के अजान उधर अजान देते थे उस मस्जिद में, जब मेरे दादा ज़िंदा थे ना तब उधर वो जब भाई यार मैं कितना वाटक अटक के बोल रहा हूँ मज़ा ख़राब कर रहा हूँ पूरा, तो उधर उस मस्जिद में अजान देते थे, तो हमारी उस मस्जिद से ना एक अलग ही वो है, मतलब तो मतलब क्या बोल सकते हैं, बॉन्डिंग कह सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया सही है। इसके बाद पापा उधर बैठते थे एतकाफ़ में, सही है ना, फिर उसके मैंने बोला कि मैं भी इधर ही बैठूंगा एतकाफ़ में, अब एतकाफ़ मेरा पिछले साल ही बैठा था मैं, सही है, और इस साल भी मैंने बोला इधर ही बैठूंगा मैं, लेकिन उस मस्जिद का मसला ये है कि उधर ना पंखे वगैरह लगे हुए हैं लेकिन एसी नहीं है उधर, वो
तो जब गर्मियों में गर्मियों के रमजान होते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, क्या हुआ मेरा नहीं पता, कब दीदा दो चार देते देते नहीं थे वो, दो चार दफा दिए उसने, देते थे भाई अपन से पूछ लो यार, दो चार दफा दिए। अबे क्या हो गया, हजार के दाने पे देते बेटा, चाबियां दादा के पास ही होती थी, क्या हो गया, चाबियां दादा के पास ही होती थी, चाबियां होती दादा कमेटी में होते दो, मेरा अकाउंट हनान भाई विश करते तू मैं यार, क्या हुआ सब तो चले सब जा क्यों रहे, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो मैम आपकी वीडियो आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी होती हैं, थैंक यू सर। मेरी आवाज़ आ रही है पहले ये बताओ, अब्दुल तेलिस हो गया, हाँ यार सो जाता है वो, उठता है और सो जाता है, सो जाता है उठ जाता है, उसका काम यही तो है छोटी उम्र। लाइव रुक रुक के चल रही है, हाँ यार सबर में नेट का कुछ करता हूँ यार, ये नेट का ना बीच में वेट, नेट को क्या मसला हो गया भाई साहब, मैंने मेरा पैकेज भी ख़त्म हुआ है यार, इंटरनेट इशू, वेट वेट वेट। हेलो अब आ रही आवाज़, अब देखो अब आ रही आवाज़, अब बताओ नेट रुक रहा है आपका भाई, सवाल करो। अरे साबे मैं कहानी सुना रहा था, अच्छी खासी कहानी शुरू कर दी थी मैंने, नेट को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से रिश्ता दे रहा है। हेलो अब सही आवाज़ क्लियर है यार, समझ आए कसम से वीडियो देख कर आया हूँ, ओके हो गई, ईजी आ रही है अब। अबे यार मेरे पास भी अटक गई, अरे नेट यार नेट की बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है लेकिन लाइव लाइव रुक रही है, खबर करो। लैपटॉप अटक रहा है, क्या अटक रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या हुआ काली स्क्रीन क्यों हो गई, अब सही है, अब सही है ना। हेलो का नंबर शो हो रहा है, पैकेज करा दूं, अरे नहीं ये ना मेरा नंबर नहीं है भाई, अब ये नंबर नंबर कुछ नहीं है ये, अब सही है। हेलो अब बताओ, अब अटक तो नहीं रही लाइफ, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या बोलते हैं जो नंबर है ये मेरा बैंक अकाउंट का नंबर है, अकाउंट का नंबर है ये, मेरा वो मोबाइल नंबर नहीं है भाई, नंबर आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल, चली गई। अबे यार क्या हो गया, ऑन तो है
भाई कौन है। गुड नाइट, मैं सुबह कॉलेज भी जाना है। अच्छी खासी कहानी की रेड़ मार दी मेरी नाइट ने। बाय गुड नाइट, ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज। भाई अब सही है लाइव? ओके ओके, अब सही है ना? सब लोग भी चले गए यार, अच्छे खासे लोग थे, 20-22 लोग थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। कितने थे? 16-17 लोग थे, 6 रह गए। मेरा सुबह प्री बोर्ड है। अच्छा, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आ रही है आवाज़? आ रही है ना? बस सही है। शुरू करते हैं कहानी फिर से। तो मस्जिद से हमारा वो बहुत अच्छा था। दादा के पास मस्जिद की चाबियाँ हुआ करती थी, और मैंने जो सुना है कि दादा उस मस्जिद में अजान देते थे, हजरत बोल्ला कभी कभी देते थे, और मेरे अब्बू भी उधर ही एतकाफ़ में बैठते थे, सही है ना? तो उस मस्जिद से हमारा बहुत वो था रिलेशन, अच्छा, मतलब नमाज़ें भी सारी वहीं होती थी, सही है ना? और घर के बहुत पास थी पहले हमारे, वो बहुत बहुत पास मस्जिद थी पहले घर के हमारे, सही है ना? फिर उसके बाद घर चेंज कर लिया, उसके बाद दूर हो गई थोड़ी, लेकिन पहले बहुत पास थी घर, सही है ना? एंड अदर थिंग, मैंने जब बोला कि मैं भी दरी से काफ़ी बैठूंगा, पापा ने बोला ठीक है। लेकिन उस मस्जिद का मसला ये था कि उधर ना पंखे वगैरह बिल्कुल नहीं थे, है ना? मतलब पंखे थे एसी वगैरह ना, तो गर्मी में ना हालत बुरी आती बंदे की। और वहाँ पे वो थोड़ा उस तरफ से वो जालियाँ लगी हुई हैं, सारी धूप मुँह पे आती। क्या कह रहे हैं? नहीं, मस्जिद में जहाँ मैं काफ़ी बैठा था, नाम नहीं लूँ मस्जिद, चुप हो जाती समझ नहीं समझ गया होगा। दुनिया में एक ही मस्जिद ऐसी है, सारी मस्जिद ऐसी होती हैं, और भी होती है। चुप हो जा, तू चुप हो जा। तो हमने लाइट आता है नहीं आता? तो क्या बोलते हैं, मैं बोला अभी तो काम बैठूंगा, अब मैं उधर तक आप मिसाल बैठा। पिछले साल तो ना मतलब इतनी वो गर्मियाँ नहीं थी, सही है? पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी, सही है ना? लेकिन इस दफ़ा थोड़ी थी गर्मी। मैं एतकाफ़ में बैठा, सही है। अब मैं उधर एतकाफ़ में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं ना, अफान भाई वगैरह और सब, तकरीबन सब लोग उधर ही बैठते हैं एतकाफ़ में। मैं उधर ही बैठा एतकाफ़ में, सही है। एतकाफ़ में बैठा मैं, सही है। शुरू के एक दो दिन हमने इफ्तारी करी, फिर उसके बाद पप्पा आए। पप्पा ने ना एक मतलब एक बंदे से हमको इंट्रोड्यूस करवाया, जो यहाँ पे मतलब हमारे बिल्डिंग में बहुत बड़े हैं, कोई उनका वहाँ पे काम करता था, मतलब फैक्ट्री में उधर काम करता, सही है। उसको एतकाफ़ में बैठ रहा था, तो वो बैठा हुआ था एतकाफ़ में। एक अपन इंट्रोड्यूस करवाया, बोला कि ये इफ्तारी आप लोग के साथ करेंगे। अब वो बंदा यहाँ का था भी नहीं, वो था बलूचिस्तान का, पठान था। चुप हो जा यार, तू चुप हो, नहीं होगा नहीं होगा तू। फिर इसके बाद अरे कहानी अच्छी है, सुनो सुनो, मज़ा आएगा। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग उस्तारी रुंगा दी कर रहे थे, सही है। पर अच्छा खासा चल रहा, सही है ना? अब कुछ लोग लड़के होते हैं ना, अब आखिरी दिन को यूँ, अबे चलना आखिरी दिन है, थोड़ी तफरिया करते हैं, अबे चलना आखिरी दिन है यार, अब तो फिर पता नहीं कब मिलना हो अब तुम लोग सबसे यार। अभी जैसे काफ़ी बड़े दोस्ती हैं, दोस्त ही बन जाते हैं बहुत सारे, मेरे ही बने दोस्त, लेकिन मैंने कोई तफरिया वगैरह नहीं करी भाई। वो बड़े लड़के थे, बड़े 18 साल के लड़के, 18-19 साल के लड़के, बोलो अब चलना तफरी करना, तफरी करते हैं कुछ, सही है। अब तफरी के चक्कर में वो लोग पूरी रात जागे, सही है। सब इशराक पढ़ के सो गए, सही है। वो लोग नहीं सोए, वो लोग सब पिन कर रहे हैं जा जा के, सही है। मेरे मतलब जहाँ मैं सो रहा था ना, जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था, नाम मतलब जहाँ उसे थोड़ा आगे आगे एक लड़का था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, सही है। उसको मतलब उनकी दोस्ती थी उससे, लेकिन इतनी नहीं मदद थी, सलाम दुआ जी, सही है ना? अब सलाम दुआ थी उसकी, अब उन्होंने हो जाए तंग करते हैं किसी को। ये लोग ने इतना दिमाग लगाया, चार बंदे उठे वहाँ से, वो सो चुका था, सही है। छुपके छुपके आए चारों ने, उसका बिस्तर पकड़ा चारों तरफ से, हल्का सा उठाया, सरका के इधर से वहाँ ले गए, कोने फेंक के आ गए उसको, सही है। अब वो सरकाने उसकी आँख खुली भी नहीं, इस तरह सरकाया उसको, सही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली, वो देख रहा मैं कहाँ पड़ा हूँ। उसने देखा यूँ इधर उधर देख रहा है, उसको पता नहीं चला कि हुआ क्या मेरे साथ ये। उसने वहाँ देखा, वो लोग सब हंस रहे हैं, समझ गया उन लोगों ने किया है।
फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, जब आखिरी दिन था ना, तब ये सीन हुआ कि जो हमारे साथ बंदा था, जो आपको बताया मैंने अभी, जो हमारा अफ्तारी कर रहा था, जो मस्जिद मतलब वो जो बलूचिस्तान से आया था, यहाँ का नहीं था वो, सही है, पठान था वो। अब वो सोता था अपनी, इसका नाम वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन मतलब वहाँ पे धूप आती थी तो उसने वो सोता था वहाँ पे, मतलब थोड़ा दूर जाके वहाँ, सही है ना, वहाँ जाके सोता था वो, सही है। तो वो लोग ने उसको तंग करने का सोचा। अब पहले लोगों ने क्या किया, पटेगा बिलात भी, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा, बिल्ला तो बीच में बोले जा रहा है। तो फिर क्या था मैं, हाँ तो फिर उन्होंने सोचा उसको तंग करने का, सही है। मतलब क्या है, क्या ही कर लेगा यार, ये तो यहाँ का है भी नहीं, और ये तो ऐसी है, और ये वो, सही है, सब तफरीहों में थे, सही है। फिर इसके बाद उस उन लोगों ने क्या किया, उनके पास 3-4 बोतलें पड़ी होंगी प्लास्टिक की, जो बोतलें होती हैं, सही है, उन लोग उसको फेंक के मारना शुरू हुए, सही है। पहले उसने बोतल मारी, सही है, उसको लगी नहीं, साइड में गिर गई, उसकी आँख खुल गई। फिर पता नहीं उन लोग बैग में क्या भर के लाए हुए थे, पानी की थैलियाँ, पानी की बोतल से पानी भर रहे हैं थैली में, थैलियाँ फेंक फेंक के मार रहे हैं उसको। पहली पानी की थैली मारी, पूरा गीला हो गया, उसके पूरे बाल गीले हो गए, मुँह गीला हो गया, बिस्तर भी थोड़ा गीला हुआ, सही है। वो उठा, उसने यहाँ वहाँ देखा, सही है, वो लोग ऐसे सोने के, एक सोने का नाटक करने लगे सबके, सही है। उसने यहाँ वहाँ देखा, वो दो लड़के बैठे कुरान पढ़ रहे थे वहाँ पे, उनसे पूछा कौन है, वो लोग को उसने उन लोगों ने इशारा कर दिया कि बोलना नहीं कुछ। वो बड़े लगे थे, वो डर गया थोड़ा, वो चुप हो गया डर से, सही है, उसने बोला नहीं कुछ। फिर उसके बाद एक और पानी की थैली मारी इन लोगों ने, मतलब वो लेटा, उसने उसका मुँह उधर था, उसने एक और पानी की थैली मारी, फिर आप लेट गए वो लोग। फिर उससे उठ के पूछ रहा कौन था, बोला पता नहीं, हमने नहीं देखा। फिर जब 3 या 4 थैली मारी ना, उसके पास वो गुस्सा आ गया, वो उठा वहाँ पे जहाँ थैली आई थी उस तरफ गया, वो बोला कौन था, बोले मेरे को नहीं पता, हम सब मिले हुए थे, कौन था, बोला हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, और ये वो करके उसको इतना गुस्सा आया, और वो ये वो करके, मतलब क्या बोलते, सबको पता ना, मस्जिद में खड़े होकर गालियाँ देना शुरू हो गया वो, भाई इतने ऐसे गालियाँ के, मतलब पूरे फ्लोर पर जितने लोग सो रहे थे ना, कम से कम उस समझोगे ना 80 लोग बैठे थे इत्तेकाफ में, और नीचे कम से कम भी 15 लोग होंगे, सिर्फ 15 लोग नीचे, 15 से 20 लोग होंगे नीचे, कम से कम 60 लोग ऊपर समझ लो, इतने लोग थे ऊपर, 60 की आँख खुल गई, सही है, 60 की आँख खुल गई। क्या बोलते हैं, वो गालियाँ दे जा रहा है, बोला कौन था, नाम बताओ, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। चल जैसे जब मेरी आँख खुली ना, मैंने देखा कि वहाँ पे झुमगट्टा लगा हुआ है, उसको गालियाँ दे रहा है, बदुआएँ दे रहा है, बोल रहा है, और उसने गुस्से अपनी शर्ट ना वहाँ फेंक दी थी हदूद के बाहर, मतलब मस्जिद में एक जगह थी जहाँ पे सिर्फ ना, मतलब वो रहते बाहर के बंदे, सब नहीं आ सकते, सही है, क्योंकि मतलब अगर वहाँ आप गए तो आपका इतकाफ टूट जाएगा, सही है। उसने गुस्से में आके अपनी कमीज़ वहाँ फेंक दी, सही है, कमीज़ वहाँ फेंक दी उसने। अब लोग डर गए कि अगर मुफ्ती साहब आएंगे, मुफ्ती साहब बोलेंगे कि ये जाकर उसकी कमीज़ यहाँ पे कैसे गई, और अगर ये कमीज़ लेना वहाँ चला गया उसका इतकाफ टूट जाएगा। फिर वो सब समझा रहे हैं, एक बुजुर्ग अंकल भी थे हमारे साथ, वो भी उनको समझा रहे हैं, बेटा छोड़ दो, माफ़ कर दो, उसने बोला नाम बताओ कौन था, नाम बताओ, बोला नाम तो नहीं बताऊँगा मैं, नाम तो सब बोले नाम तो नहीं पता, नाम पता ही नहीं हमको। अब जो था, जो थे लोग, वो ऐसे हो गए, डर गए बिल्कुल, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया एंड तक। फिर वही चल रहा है, फिर जैसे और मेरी भी आँख खुल गई 10 बजे तक, हम लोग सब कोई हड्डा वड्डा थोड़ा सॉल्व हुआ थोड़ा, वो रोए जा रहा है, बोल रहा है कि मैं ना बद्दुआ कर रहा है, कुरान हाथ में लेके, क्या बोलते हैं, कुरान हाथ में लेके बद्दुआएँ दे रहा है लोगों के, मैं तुम लोग ये हो जाओ, तुम लोग गर्क हो जाओ, और ये हो जाओ, वो हो जाओ, ऐसे ही मतलब बद्दुआएँ दे रहा है, उसकी आंखें लाल, बोला मेरे मैं छोड़ क्या बोलते हैं, मेरा बदला अल्लाह लेगा, और ये वो, मतलब इतना सब हो चुका, सही है। इसके बाद ज़ोर की अज़ान हुई, ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, और वो तब सुनने को तैयार नहीं था, वो इत्तेकाफ़ छोड़ के बाहर जा रहा था, सही है ना। मैं मुफ्ती साहब को बुलाया, उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि जो था वो खुद खड़ा हो जाए, लेकिन खड़ा ही नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कि मेरे को अगर पता चल गया ना कि कौन था, तब बता अच्छा नहीं होगा, और ये वो करके समझाए बात। तो 5-6 लड़के थे, जिनमें से 3 खड़े हो गए, 4 खड़े हो गए, बल्कि सही है, 2 लड़के खड़े ही नहीं हुए एंड तक।
फिर वो जो बंदा था ना जिसको पानी हमारी थी, फिर वो मतलब क्या बोलते हैं मगरब क्या बोलते हैं मगरब से पहले बोल रहा था हमारी मतलब तारीख में बात करते हैं। मैंने बोला क्या हुआ, फिर कर दिया ना माफ़ ऐसे बातों में। उन्होंने बोला बोले मैंने माफ़ नहीं करा है, मैंने इन लोग को यहाँ माफ़ किया है, अल्लाह की कसम मैं पठान हूँ और ये और मैं पठान होने का वादा करता हूँ कि मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं और बाहर निकलने दो मुझे और ये वो। फिर इसके बाद अब वो जो लड़के थे ना उनको बदल लिया कि ये मारने के उसमें है। जैसे ही वो मगरब का टाइम हुआ वो लोग शॉट, हम लोग मैं बाहर निकला जब मतलब टाइम खत्म मतलब हो चुका चांद हो चुका था, जब हम लोग बाहर निकले तब तक वो लड़के आ चुके थे और उन लोगों को ढूंढ रहा था बाहर। लेकिन भाई बेचारे को तंग बहुत किया उन लोगों ने यार। असलम ब्रदर, मैंने एबिट आई डी बनवानी है, आपका ब्लॉग वगैरह देखता है शौक से। हाँ मसला नहीं है यार, अकाउंट नंबर ये रहा यार, सुपर चैट भी भेज सकते हो आप, बनवाए तो मुझे क्या मसला, हम तीनों बना के भेज देंगे एक साथ और एक ही वीडियो में। फजर कमेंट नहीं कर रहा है, फजर कौन, फजर हनान मेरा भाई है, हाँ तो मेरा भाई है आपका भाई तो ये मेरा कमेंट का जवाब दो। हाँ भाई बोलो, आई विल मेक अ पैकेज फॉर यू विद अ फ़ोन नंबर। भाई ये फ़ोन नंबर नहीं है मेरा, ये अकाउंट नंबर है। हड़ा नहीं होना, हड़ा नहीं होना, क्या बातें कर रहे हो भाई, हैं मैंने सुन लिया है कुछ जमा नहीं था तब इसको देख रहा था। शाउट आउट प्लीज, शाउट आउट टू अली मुर्तुजा भाई, ओनली 6 लोग बचे हैं। सुन लिया, अबे अपनी बातें कर रहे हो तुम लोग यार, मेरी भी सुन लो कोई यार। आधा घंटा के कमेंट में बैठा, आधे घंटे से कमेंट में बैठा हूँ। कमेंट ना बैठे हो आप, एक बात बता, दोनों में से कौन सी ज़्यादा घड़ी अच्छी लगती है। कौन सी रखूँ मैं, इनमें से एक रखूँगा हदात कर दूँगा, हदात तो कौन सी दूर में से मैं मतलब अच्छी कौन सी, अच्छी होगी वो मैं रखूँगा ना। ब्लैक दो ब्लैक, ब्लैक मैं खुद रखूँ हदात को दूँ। बाय बिग फैन, थैंक यू सर। काली वाली अच्छी है, काली वाली ब्लैक, ब्लैक अच्छी। ओके ओके भाई, अभी पहन लेते हैं ब्लैक। ओनली बांध ली, मेरे को आजकल अच्छी लग रही है बालों पे। आपका ब्लॉग देखकर आई हूँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। और सुनो हारे भाई, ताबिश भाई ठीक है, ताबिश भाई कौन भाई, हम लोग सब ठीक है, ताई भाई कौन। भाई आपने कभी दानिश ज़हन की वीडियो देखी है? हाँ देखी है भाई, क्या बोलते हैं देखी है उसकी वीडियोस वगैरह मैंने, क्योंकि पहले भी मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं था उसका, मेरा बहुत बड़ा फ़ैन था उसका। लेकिन जब टिकटॉक का एरा चल रहा है 2018 वाला, मैं सब हर बंदा उसका फ़ैन था यार, गोल्डन से बाल और बॉडी और बाइकें भगाना और ये वो। ब्लैक ही अच्छी है, ओके ओके। ब्लैक हंसती भी है, आवाज़ सुन घड़ी है चूड़ियाँ देखो। ब्लैक सस्ती है, वाइट महंगी है, डार्कर देन माई फ्यूचर। कितने कमेंट किए हैं देखो पहले। हाँ हाँ
मैंने पढ़ लिया था, कमेंट आपका जवाब भी दे दिया मैंने इस बात का। हाँ भाई, एक घड़ी नहीं दिख रही स्क्रीन, आई घड़ी नहीं दिख रही अकाउंट नंबर पे, सॉरी यार। ये कौन सी नहीं दिख रही, ये वाली? एमएस को रोस्ट मारो, एमएस को रोस्ट। एमएस कौन है, एमएस कौन? कोई नया यूट्यूबर है क्या, नया टॉकर है कोई क्या? लेफ्ट हैंड से पहनते हैं वॉच, यार मुझे राइट हैंड में अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है औरतें पहनती हैं, लेकिन मुझे राइट हैंड ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने में। इट्स माय चॉइस भाई। अरे मुझे जोर, बहुत जोर की बात करनी है, जावा जल्दी करके आ जाइए ना, निकल जाए। अच्छा, एम एस मां सफदर, मतलब पता नहीं कौन है एम एस, कौन ही क्यों बांधी है ऐसे यार। पबजी मोबाइल छोड़कर आया हूँ आपकी वीडियो के लिए, मेरा ड्रीम था आपकी वीडियो, आपकी लाइव देखना। आपका ड्रीम था मेरे चैनल में आपका ड्रीम पूरा करने के लिए 90 वीडियोज़ हो चुकी हैं, जाओ अपना सपना पूरा कर ले भाई, मैं आप तेरे साथ हूँ यार, सच्चा ड्रीम पूरा कर, लाइव स्ट्रीम भी सारी की सारी और क्या बोलते हैं वीडियो भी सारी सारी, मैं तेरे साथ हूँ भाई, टेंशन नहीं ले, ड्रीम पूरा कर अपना, सारी वीडियो देख 90 की 90। बाय द वे, मेरे अकाउंट पर 100 वीडियोज़ कम्प्लीट होने वाली हैं यार, मतलब लाइव स्ट्रीम शॉर्ट्स और वीडियोज़ मिला के 100 वीडियोस कंप्लीट होने वाली है। ओ माय गॉड, हाउ, कैसे? अब्दुल को उठाओ। अरे यार नहीं उठेगा, वो डीट है। पबजी मोबाइल खेलते हो आप यार, रमजान से पहले से नहीं खेला। यार तो रोज कर रहा है, बेचारे को कौन रोस्ट कर रहा है भाई, कितना पानी पियोगे? अरे यार पानी में ना मेरा गला सूख जाता है ना, मेरे को मज़ा नहीं आता। क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा था, मेरा गला सूख रहा होता है ना, मुझे बात करने में मज़ा नहीं आता, फिर इसलिए बार बार गला गीला करना पड़ता है। एमएस, ओ 5 यूरो और आ गए। अरे भाई साहब, मेरी बात मान ली सरकार भाई, अरे भाई साहब सरकार, सर सर आपके चरण गए सर, आपके पांव छू लूं सर मैं, सरकार भाई भी लाइक अंबानी मेरे। अरे सर यार, ओए 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 थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू सर। आपको कैसे बताऊं मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या, इतने सारे यूरो आज तक नहीं देखे मैंने एक साथ, 5 यूरो। भाई हमें भी शाउट आउट दे दो, हमजा वर्ल्ड भाई शाउट आउट टू यू यार, सारी वीडियो देखी है मैंने, थैंक यू सर। भाई क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी, आई एम वेरी गुड। अजमल रजा कादरी भाई, भाई शायरी की सारी वीडियो देख ली है मैंने, खाना खाने के वक्त भी देख ली, सुबह के टाइम भी, आज के दिन को तो देखी है। अच्छा थैंक यू भाई, ऑलमोस्ट 3K भेजे हैं,
इसके बदले भाई को शाउट आउट दो। उसने भेजे आपको शाउट आउट क्यों दूँ मैं? अरे भाई क्या ही गा यार। अरे थैंक यू सर, थैंक यू यार, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई ये 5 यूरो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आप मैच नहीं देख रहे, बताओ मैच शुरू हो गया क्या? हैं मैच स्टार्ट हो गया, लॉल हो गया स्टार्ट क्या? मेरा नेट भी ना खसी है क्या बोलूं? लव यू सरकार भाई, छोड़ो भाई क्या बात, ये तो ये कोई बात है भाई। अरे भाई आपने ना इतने डॉलर भेज दिए, इतने मेरा डॉलर ना आज तक क्या बोलते हैं एक साथ में देखे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार ये। इमोशनल कर दिया सर आपने। क्या सर रब्ता करूँ आपको ये बताए बर्थडे वाले बता देना? यार आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा की आई डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आई डी मेरी है। लव यू सरकार सुहेल, स्पैम कर दो भाई कमेंट में सरकार सुहेल। यार नेट है या बकरा? कॉमेडी करना चाह रहे हो आप? नंबर सेंड कर दो, अकाउंट सेंड कर देता हूँ। क्या सेंड कर देता हूँ? अकाउंट नंबर तो ये लगा हुआ मेरा, सरकार भाई ओपी इन द चैट, सरकार भाई ओपी। मैं भी लिखूंगा कुछ नहीं है। अरे सर रिस्पेक्ट के काबिल है, पाकिस्तान में कितने होते हैं लगा लो जाकर, अभी गूगल खोलना पड़ेगा अभी। भाई कितने चाहिए पैसे? ही पैसे अंबानी मेरे देश में, ये कैसे सेंड करते हैं, ये पैसे कैसे सेंड करते हैं, डॉलर कैसे सेंड करते हैं डॉलर? यार पाकिस्तान में अगर आप रहे तो पाकिस्तान में तो आपको वीवीएन पर लगाना पड़ेगा, सरकार भाई ओपी। पहले सब देख के एक दफ़ा लिख दो सरकार भाई ओपी इन द चैट गाइस। दोनों घड़ियाँ पहन लेता हूँ मैं, ये भी ऐसी रखी हुई है। बोलो कितने पैसे चाहिए सर? आप सरकार भाई नहीं भेजा, आपको जितने भेजना आप भेज सकते हैं भाई। आओ भाई शिट, बात तब के वेरी सज्जाद, सज्जाद इज भाई आपका नंबर, अकाउंट नंबर ये रहा लेफ्ट पे लगा हुआ है। 5 यूरो और भेजे हैं? ओके ओके आपको दिख गए, लेकिन सब चैट शो होती है यहाँ पर होगा ना, पर वहाँ तो नहीं ना। हाँ हाँ अपने खानदान में। हाँ हाँ तुमने दो दो घड़ियाँ पहनी है? वैसे ही फ्री में खाना नहीं खाना तो यहीं पे दो क्या है वही किमा मिचड़ी ये दो, बल्कि अभी नहीं अभी भूख नहीं, छोड़ दो बाद में। अरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ सर, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओ, नंबर सेंड करूँ मैं? सेंड कर दूँ यार, अकाउंट नंबर लेफ्ट पे लिखा हुआ है भाई। इजी पैसा जैसे कैश नहीं है, अगर आपको वैसे सेंड करना कर सकते हो वैसे, या फिर अगर आपको सुपर चैट, अगर आप अगर भेज रहे हो सुपर चैट भेज दो, देखो सुपर चैट से ना क्या बोलते हैं मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सुपर चैट से क्या बोलते हैं मेरे उसमें काउंट होंगे यूट्यूब स्टूडियो में, ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे को। फ़ायदा मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसे मेरे को दोनों जगह से मिलेंगे लेकिन काउंट उसके होंगे, समझे? यूट्यूब स्टूडियो में काउंट होंगे, वो अच्छा लगेगा यार। हन्नान को बुलाओ आप, सरकार भी कह रहा है, क्या कह रहा है? हन्नान सो रहा है ना, बुला लेता यार मैं, वो भी है गहरी नींद में, अगर आई मैं उसको उठाने गया ना तो फिर आप वर्ल्ड वॉर 3 देखोगे। फिर पाकिस्तान में कितने भेज रहे हैं? पाकिस्तान में कितने भेज रहे हैं समझा नहीं मैं,
कार्रवाई समझानी मोहम्मद अवेस हाय हेलो भाई दे दो शो नहीं हो रहा है एक सेकंड यार अकाउंट नंबर दूसरे अकाउंट नंबर दो ना ये लो और ब्रांच कोड दूं या अब एक सेकंड यार अकाउंट नंबर आपके लिए सर ट्रिपल जीरो टू एट दो तीन एट थ्री फोर थ्री टू थ्री फोर भाई शो नहीं हो रहा एक सेकेंड यार एक सेकेंड रुको यार एक सेकेंड ट्रिपल जीरो मैं कहाँ गया अकाउंट नंबर यार भी नहीं मिल रहा यार थोड़ा कर ढूंढता हूँ डोनेट वोनेट नहीं है भाई मैं कहीं डोनेट तो नहीं करूँगा पैसे वो वाले ये तो मैं खुद रखूँगा फैन फंडिंग नहीं है
एक और सुपर चैट भाई साहब, एक और सुपर चैट, एक और यूरो सर भाई सर। ओ भाई साहब भाई डॉलर सेंड कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे पास कन्वर्ट होके आएंगे, टेंशन नहीं लो। मेरे पास डॉलर, मैंने डॉलर सेट किया है, कन्वर्ट होकर डॉलर ही हो जाएंगे मेरे पास। मैं खुद सेंड कर देता हूँ उनको, तो तकलीफ नहीं दे रहा है, मैं कर देता हूँ सेंड भाई। कोई प्यार करने वाला है? थैंक यू सर यार, और नंबर ही दे दिया मैंने ये, 2000834-3234 2000834-3234 ब्रांच कोड, वैसे ब्रांच कोड भी लिख देना चाहिए था यार, 0039। कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं भाई साहब, इतने सारे पैसे मेरे लिए तो कितने हो गए टोटल यार। थैंक यू सरकार भाई यार, आप कुछ भी एक डेयर दें मैं डेयर करूँगा वो। चलो सरकार पे डेयर दो मेरे को, आप मैं यहीं पे खड़ो कर डेयर करूँगा, एक्टिंग शेक्टिंग वगैरह कुछ खाना पीना, मिर्ची खा लूँ पूरी एक, आप बोलो। रेमन नूडल्स का मुझे खरीदना पड़ेगा, वो तो अभी यहाँ पे घर पर आए नहीं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर वन एंड ओनली बाबर आजम, कवर लाइफ एंड द किंग स्टाइल स्टॉल। एनीवन वांट्स टू सेंड पैसा और सुपर चैट भी कर सकते हो वैसे आप, इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर यू कैन सी इट। भाई मुझे जवाब दे दो, मैंने हनान को मार देना नहीं तो। ओ भाई आराम से जवाब देता हूँ, जवाब देने का मसला नहीं, लेकिन तमीज़ से नहीं बोल सकते। अरे तमीज़, 3% बैटरी है, अच्छा सॉरी, मैं क्या करूँ उसमें, लास्ट पे लगा लो भाई। आइसक्रीम विद केचप एंड मस्टर्ड, हरकार भाई को बोला है मैंने, सरकार भाई को। भाई आप अब आपकी इनकम आ रही नहीं, ये जो अभी इनने भेजे है ना, इतने मैंने एक महीने में भी नहीं कमाए। मेरे पास सुपर चैट नहीं आ रही भाई, वीपीएन लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से आपको यार, ऑप्शन वीपीएन का, वीपीएन लगाना पड़ेगा, वीपीएन लगा के आप सेंड कर सकते हो। अगर पाकिस्तान में हो आप, कहाँ पे बैठे हो, पाकिस्तान में भेज रहे हो आप? सरकार भाई पाकिस्तान में रह के कैसे भेज रहे हो आप? भाई आप टिकटॉक पर नहीं आते यार, टिकटॉक पर बॉयज एयर पे हमने वापस कम बैक करा है, लेकिन बस वही यार टेढ़ा मेढ़ा ही कम बैक चल रहा है, जब मिलते हैं तब बना लेते हैं, नहीं मिलते हैं। आपकी वॉइस बार बार कट रही है, मेरा नेट कुछ चल रहा नहीं वाला। हम चले आए, मुझे जवाब नहीं देना, चलो भैया जा चले जाते हैं, हम जवाब ही नहीं देते बड़े भाई। कब जवाब नहीं दिया, चार्ज पे लगा लो इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, 3% बैटरी है तो। फिर आप बोल लो कि अनान को मार देना, इससे बात भी नहीं है भाई ना, बोलो क्या बात है। अगर कैप डाउनलोड हो तो दूसरे मुल्क, जानी मैं कैब डाउनलोड हो तो एक सेकेंड ना गाइस, मैं जरा आइस अपनी उसको यादगार आपका।
का फेवरेट व्लॉगर कौन है इरफान जुनेजो? भाई सब में आता नहीं है, तो आप पाकिस्तान से भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो, समझा नहीं मैं। आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। फहाद को निकला हो गया, निकला क्या हो गया, निकला यूरो राब में, राब उनको पता नहीं सारी कौन सी जगह है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दिया इमरान खान? यार मैंने तो, मेरा तो वो बना ही नहीं है वोटर लाइसेंस, वोटर आईडी बनी नहीं है मेरी अभी तक, तो मैं तो भेज सकता वोट, और जिसने दिया उसने क्या उखाड़ लिया। मैं ऐसी फालतू बातें करता हूँ लाइक्स और व्यूज़ के लिए, लेकिन अगर मेरे घर पर डाला आ गया ना मसला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल? हन्नान कहाँ है? हन्नान इज स्लीपिंग, हन्नान इज इन नींद, वेरी वेरी स्लीपिंग। ओके, यू आर टू बी सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने मजाक में बोल रहा था हन्नान मार दूंगा, मजा भाई मजाक में बोले आपको, कोई मसला नहीं है भाई, मैं मजाक में बात कर रहा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा सुपर चैट का, VPN लगाना पड़ेगा सर, पाकिस्तान में नहीं आता। यू भाई आप कहाँ से हो? मैं हूँ पाकिस्तान, नजनाबाद, कराची, कराची, कराची का लॉन्डो में, कराची का अभी यार यूनियन यार, कराची वाला एक्सेंट बता रहा था आपको, कराची वाले लोग सारे चैट होते हैं, चैट गीगा चैट कि ऐसे कर करके ना उनकी ये चीज़ बाहर आ गई होती है। ये वाली समझ लो ना, आपका दोस्त तो वारिस हो? वो है भाई मेरा दोस्त वारिस। इतना अटक रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप बहुत खुश लग रहे हो, अरे यार आपने इतना खुश कर दिया सर, बहुत खुश कर दिया सरकार भाई आपने मेरे को, फर्स्ट टाइम सुपर चैट भेजी और सारी, कितनी सुपर चैट मिली अभी तक यार, गिननी पड़ेगी। यूरो वगैरह है, यूरो यूरोप से पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे मजाक मेरी बात सीरियस नहीं लेना, ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम, मेरी बात को भी सीरियस, कुछ कुछ बातों को सीरियस नहीं लेना, मैं भी सब मजाक में बोलता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ। अच्छा कहाँ है ये, मेरी बात दिल पर नहीं लेना, ओनली शुगल मेला, यस शुगल मेला। मैच स्टार्ट हो गया क्या? नहीं होना स्टार्ट है, ऐसी तफरे चल रही है लोग के अभी भी सिर्फ। मेहनत करते हो अल्लाह वो कामयाब अता फरमाया, आमीन आमीन भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो यूरो भेजे ना, ये मेरी कामयाबी का फल था भाई। मुहाजिर हो? नहीं भाई मेमन हूँ, मेमन। मैच कैंसिल? हाँ ख़त्म हो गया मैच, हाँ कैंसिल हो गया ना।
भाई पठान हूँ, लाई पठान नहीं हूँ, मेमन हूँ भाई मैं, आई एम मेमन, हलाई मेमन। पठान क्यों लग रहा हूँ आपको भाई, मैं टिकटॉक से नहीं कमा ये कमा अपना, टिकटॉक से नहीं कमा रहा ना, वही तो मसला है यार। यार पूरा एक घंटा हो गया है आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ, आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ, थैंक यू सर। रैम भाई आपके हेयर पे कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो? भाई शैम्पू यार मैं आपको रेकमेंड अगर करना चाहूँ तो हेड एंड शोल्डर और सनसिल्क बेल ब्लैक वाला। सनसिल्क मत यूज़ करो, जेल प्रोडक्ट है, लेकिन मैं उसको जब यूज़ करता था तब उससे मेरे बाल ने बहुत फर्क पड़ा, हेड मच्छर। सुहेल भाई और गई थी, अरे लव यू सुहेल भाई यार, अरे क्या नाम है सरकार सुहेल भाई। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वारिस, अफान भाई, अहमद और शंटू सुफियान, अबू सुफियान उसका नाम पूरा। अहमद को आपने बहुत कम देखा होगा मेरे साथ, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त मेरे हो। मेरा कज़न भी है वैसे वो, लेकिन मतलब वो होता है ना कज़न जिनसे आपकी सालों में मुलाकात होती है, ईद ईद पे और किसी की पे, वो वाला कज़न था मेरा ये। तब मतलब मेरे अब्बू के कज़न थे तो मेरा इधर इतना तो वो उतना है नहीं, मतलब अब्बू के कज़न से इतना मेरा इतना अच्छी बॉन्डिंग थी नहीं, लेकिन फिर हम लोग की इंस्टा वगैरह में बातचीत होनी चाहिए, फिर अच्छी खासी दोस्ती हो गई, तक पहले से अच्छी दोस्ती हो गई। आप क्या काम करते हो? यार मैं यूट्यूबर हूँ वैसे तो, काम वाम कुछ नहीं करता, पढ़ाई चल रही है बस थोड़ी सी। मैंने सारी वीडियो देखी हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह देखी हैं आपकी वीडियो, इंस्टा पर, इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सर, ये जट ब्रांड है। अच्छा ए, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। बिग फैन रियान, थैंक यू सर। यार मैं आपको जानता हूँ, मैं 5-6 बार लाइव देखा है, थैंक यू सर। मैं सऊदीया में हूँ, डॉलर साइन आ रहा है सुपर चैट में, पाकिस्तान में नहीं आ रहा। हाँ पाकिस्तान में सुपर चैट नहीं कर सकते, आपको VPN वगैरह लगाना पड़ता है। सैफ भाई के बजे एक ऑप्शन आ रहा है डॉलर का, वो ऑप्शन आता है सुपर चैट का। मैंने ना पाकिस्तान में सुपर चैट ऑन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जुगाड़ मार के ऑन करी हुई है। इससे आज जो हुआ है ना, इससे मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली है, मैं सोच रहा हूँ रोज़ लाइव आऊँ, वीडियो अपलोड करूँ, लाइव भी हूँ भाई। मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुसलमान भी और नमाज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मुसलमान फ्रेंड। और अरे बिलाल मस्जिद में इतकाफ भी बैठे थे, बिलाल मस्जिद यार रोज़ लाइव आओ सुहेल भाई, आप भी रोज़ आना यार। मैं तो तकरीबन कल भी आया था लाइव, लेकिन आज तक मेरे को कम से कम कितनी लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ मैं, समझो आज की लाइव स्ट्रीम हटा के दिखे थे सब, आपको दिखाता हूँ मैं वेट एक सेकेंड। फर्स्ट टाइम मेरे को आई सुपर चैट, एक सेकेंड। अभी अपन लाए हैं सही है ना, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21 22 23 24 25 26 27 27 27 लाइव स्ट्रीम करी है मैंने 27 लाइव स्ट्रीम्स करने के बाद ये पहली लाइव स्ट्रीम है जिसने मुझे सुपर चैट आई है। और एक और सुपर चैट भाई साहब, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। सैटरडे आया करो बस और बाकी ब्लॉग है, मैं ट्राई करता हूँ भाई। कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं यार, आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत है भाई। ये मेरी इतनी ईदी जवानी हुई है अभी तक, मेरी इस साल में इतनी ईदी जवानी हुई, इतने आपने मुझे भेज दी अभी। एक भाई दस, सुहेल भाई एक बार 10 यूरो की सुपर चैट कर दो, मान जाऊँगा, बिग रिस्पेक्ट होगी। एस्थेटिक राजपूत बोल रहे हैं भाई, मैंने मैं बोल तो रहा हूँ इतनी सुपर इतनी इतने भेज चुके हैं वो के क्या बोलते हैं, इतनी मेरी ईदी जवानी हुई अभी तक। मैं वॉलेट दिखाऊँ सवारी, मेरा वॉलेट ये रहा, ये मेरी 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 टोटल ईदी है ये मेरी, टोटल ईदी, टोटल टोटल ये टोटल ईदी है मेरी। और उनने भाई साहब ने क्या बोलते हैं इतनी भेज दी है माशाल्लाह से, इतनी मेरी ईदी जमा नहीं हुई माशाल्लाह से भाई। कौन हो है नहीं मालूम, कौन है नहीं मालूम। हाँ तो मुझसे लिखो मेरा भाई है, अपनी कास्ट, मेरी कास्ट में माने भाई, मेरे पास आपके 3500 जमा हुए, हाँ हुए थे, 500 और आ गए, अभी दावत में कहते ना हम लोग, वहाँ से आ गए। मीज़ब की साल गया है, मीज़ब कौन सुनना नहीं है, मीज़ब कौन। अब्बू को बताओ इसके किसके क्या बताऊँ, इसके अब्बू को क्या बताऊँ, अपनी कास्ट बताओ। मेरी कास्ट है मेमन हालाई, मेमन भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड ऑफ मी मैन। बताओ ऐसे कौन बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद अभी तक ख़त्म नहीं हुई आपकी, नहीं भाई मेरी तो रोज़ ईद होती है, मजाक कर रहा हूँ, ईद मेरी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, ईद ही जमा जो हुई थी मेरी, टोटल ईदी की बात कर रहा था ना, टोटल ईदी कितनी जमा हुई है बस ये बात कर रहा था। बेटा बाहर जाके बात कर लो ना बेटा, बेटा लाइव स्ट्रीम चल रही है, बाहर जाके बात कर लो, वहाँ चले जाओ। ये बाहर वाली गाड़ी किसकी है? मेरी की दोनों। जीएफ है नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम नहीं करते। मेरी 27,000 रुपये ईदी जमा हुई है। तेरी ईदी भाई, अल्लाह हाफिज़। में जाता कल मिलते के बदल अल्लाह हाफिज़ भाई। आपका नंबर दो यार, नंबर आपको अगर बात करनी है आप आ जाओ सर, वहाँ पे आप आ सकते हैं, इंस्टाग्राम वीकेंड, अगर कोई बात बात करनी है उसका। मेरी ईदी कितने लोग देख रहे हैं यार, वॉचिंग कितने की आ रही है, अब एक शो हो रहा है सर, अच्छे खास लोगों पर एक खुश हो रहा है। हाय हेलो हेलो, मैं चाहता हूँ कल मिलते रहना, ओके ब्रदर, जाओ अल्लाह हे मानी भाई, ओके नो प्रॉब्लम। हाय हेलो जैज डच खान, आप जॉइंट फैमिली रहते हो जी भाई, दादी चाचू अब्बू सब साथ रहते हैं, दो
साल पहले हम लोग शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अलग हो गए थे मतलब, फिर आप आइए आप बताना ज़रूरी नहीं था लेकिन आया फिर। नाइन्थ में आ गया है माशाल्लाह से, अब बोर्ड के पर देगा अगले साल, अगले साल हाँ अगले साल। अबू को बताओ सुपर चैट का, हाँ अबू घर पे आएंगे फिर बताऊँगा ना अबू। एक बात बताऊँ, मैंने जितनी अभी तक YouTube से कमाए पैसे, तो जितने YouTube से अभी हुए हैं मेरे टोटल, YouTube से जितनी इनकम हुई है वो, और जितनी मेरी ईदी है, उतने पैसे उससे ज़्यादा पैसे भेज दिए भाई ने, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई ऐसे काम नहीं करता मैं, मासूम बच्चा हूँ यार, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने का कोई शौक नहीं है मेरे को। आपका भाई ना कीप इट हलाल, ओके कीप इट हलाल, डायरेक्ट निकाह करेगा आपका भाई डायरेक्ट। हेलो आई एम बैक भाई, वेलकम बैक भाई। आईडी आपकी भाई, आप यार आप मेरी आईडी यार क्या बोलते हैं पिन करी भी है, डिस्क्रिप्शन में है वैसे। कराची में कौन सी जगह से हो? कराची में नाजमाबाद। काब काब क्या? लव यू भाई, थैंक यू भाई। यार पूछ रहा है फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड नहीं भाई, फ्रेंड भी बनाना जायज़ नहीं है, फ्रेंड भी क्यों बनाऊँ मैं, नहीं जाऊँगा भैया की पूरी लाइफ। रात को भूख लगेगी वरना मेरे को फिर पैसे वैसे ही कम पड़े यार, नाश्ता ही बहुत महंगा हो गया यार। सुबह मैं और अब्दुल का हम दो नाश्ता लेके आए, 500 रुपये का वो हो गया। अब्दुल ने अपने लिए खा, अब्दुल ने कल रात को अब्दुल को भूख लगी थी, अब्दुल अपने लिए खाना लेके आया, 500 रुपये उसमें गए, सुबह नाश्ता। अल्लाह को हिदायत कर रहा हूँ, अभी सीरियस नहीं ना कोई, वक्त के बाद होते हैं भाई, बाद में पता चलेगा है, समझा नहीं मैं कुछ, सॉरी व्हाट सॉरी किस बात को बोल रहे हो भाई। यार मेरे नेट को क्या मसला है यार,
का तो अरिगातो 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 तो का मतलब पता है बताओ अरिगातो अच्छा आप लोगों को एक सवाल है अगर आपको अभी कहीं घूमने जाना हो जैसे कि अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करने जाना हो ट्रैवल करने कहीं जाना हो आपको आप कौन सी जगह चुनोगे पहाड़ या बीच मैंने ये सवाल नहीं पाया इंस्टा पाया था मैं सोचा था पूछूंगा आप लोगों से पहाड़ या बीच माउंटेन्स और बीच बताओ 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 वो लड़का अच्छा लड़का है आप क्यों हाँ भाई यार मैं हलाल वाला बीच अदील भाई बोल रहे बीच कोरिया वाओ ये BTS फैन आ गया यहाँ पे BTS फैन इस लाइव स्ट्रीम से दूर रहे प्लीज भाई डक्की भाई की एक्टिंग करो यार डक्की भाई एक्टिंग करनी पड़ी अच्छा एम्ब्लॉजी एम्ब्लॉजी कर डक्की भाई एक्टिंग करो डक्की भाई अरूब 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 कहा जा रही हो अरूब अरूब क्या कर रही हो अरूब अरूब तुम्हारी गाड़ी पिंक करा दी अरूब अरूब तुम्हारे लिए 13 लाख रुपए का बैग ले लिया अरूब 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 दुबई चलते हैं दुबई गाइस अचानक दुबई जाना पड़ रहा है गाइस हम लोग को अचानक दुबई जा रहे हैं कोरिया के छक्के क्या बोल सकते बाबा कोरिया में है और अच्छा अच्छा मुझे लगा आप भी BTS फैन हो अगर आपके बाबा कोरिया में है उनसे मिलने हैं तो फिर ठीक है माउंटेन्स एक माउंटेन और एक खाने में क्या है खाने में हमारे पास है कड़ी खिचड़ी कैन यू सी दैट गिर ना जाए एंड विद सम एक्स्ट्रा सैलेड सैलेड ऑफ ककुम्बर शिट बाय बिग फैन थैंक यू सर नहीं भाई मैं BTS फैन नहीं हूँ अच्छी बात है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है माउंटेन बीच तो पाकिस्तान के अंदर भी है ना इतना अच्छा सी व्यू हमारा है माशाल्लाह से चूजे नहा रहे होते वहाँ पे रंग बिरंगे ब्रो जी भाई बोलो ब्रो आप किसके फैन हो मैं इरफान जुनेजो और मिस्टर बीस्ट और शहजाद शो की रील्स का भी फैन हूँ मैं और शहजाद शो की वीडियोस का भी फैन हूँ तब कब है भाई आपको रोस्ट करो मैं रोस्ट करूँ खुद को यार रोस्ट जो कहते हैं इनकी कोई इज्जत हो मतलब दुनिया में मतलब वो कुछ हो उनके कुछ लाइक फॉलोवर्स कुछ हो उनको रोस्ट किया जाता है मेरे को क्या करूँगा रोस्ट करूँगा मेरी अभी वो इज्जत बनी नहीं रोस्ट वाली कैरी मिनाटी का फैन कैरी मिनाटी वीडियो का अपलोड करता है फैन तो मैं भी हूँ उसका मतलब
देखी है उसकी वीडियो, बहुत शुरू बनाता है। इंडिया में तो एक से एक क्रिएटर जिनका फैन बन सकते हो यार। सम शाउट आउट से एक सब्सक्राइबर तो भी नहीं पड़ा भाई मेरा भी सब्सक्राइब। मैं अभी क्या बोल, दो दो घड़ी ऐसे ही पहनी हुई क्या हो गई जा रहे वो तो मैं आम अच्छा प्री मैं आई विल प्रेफर माउंटेन क्योंकि मैं एक दफे माउंटेन में नहीं गया। आई विल गो माउंटेन भाई। आपकी तो ईद ईद ही हो गई। 4,100 रुपया अकाउंट नंबर 2,000 ने अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। 2,000 लिखा है। अकाउंट नंबर मांग रहे थे ना, अकाउंट नंबर किसी ने भेजा नहीं होगा शायद, पता नहीं भेजा नहीं भेजा, लेकिन अकाउंट नंबर दे दिया। मैसेज मोबाइल आएगा पता नहीं बस तक है ना सही। मैं फोन म्यूट कर जिम लवर हमला भाई लिख रहा है जिम लवर। अब्दुल हनान कैसा है? अब्दुल हनान चुकना है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम बता 11:15। कराची वाले कराची को कराची क्यों बोलते हैं? क्योंकि कराची को कराची बोलने का भी अपना मजा है, लेकिन मैं कराची को कराची बोलता हूँ भाई। लेकिन कराची कराची बोलना मजा आता है। फिर माउंटेन पर ही मिलते हैं बरदर। ये जो जितनी सुपर चैट भेजी है जितनी भी जमा हुई है उससे तो नहीं आ सकता मैं माउंटेन। नहीं आ जाएगी ट्रेन भी जाऊँगा, खाना वाना वगैरह सबके साथ जाने की बात हो रही है, रुकने की बात। उधर जाऊँगा कैसे आऊँगा, वापस नहीं आऊँगा फिर तो मैं इजी ले आई अपनी 3,000 में हो जाऊँगा। खाना कैसे होटल में स्कूल दोनों जगह जाएगा तू क्या आपका यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं? हाँ मोनेटाइज हो गया, लेकिन आपके भाई ने एक भी रुपया नहीं कमाया अभी तक। 30 और 27 को जाऊंगा, 28 को अमाउंट, 28 को 100 को, 29 को उठूंगा, 29 को फिर एक्साइटमेंट होगी, फिर 30 को आपसे मिल जाएंगे कैसा, फिर 30 की शाम को आकर सोऊंगा, फिर पढ़ना शुरू करूंगा 1 तारीख से कैसा। हनान को बोलो सुपर चैट का, हनान करे सुपर चैट का, अब्दुल सो रहा है यार। हनान को कितनी आ चुकी है सुपर चैट, एक ही बजे भेजा बोल रहे 4 बजे कितने बाकी हुए पता है, मैं जब गया था तब तो कम थे। ये गया कैसा दूसरा होगा अच्छी बात कैसे।
हमने कहीं और हुआ कोई बात नहीं, मेहनत करो इंशाल्लाह। हाँ यार, हाँ डेढ़ हजार रुपये आप कहाँ रहते हो? मैं फैंस के दिल में। होता नहीं कुछ बालों में तेरे को? यार कान के पीछे हुआ है, बाबले कान के पीछे हुआ है, चेस्ट पे हुआ है, शोल्डर पे हुआ है, हाथ पे हुआ है, इधर इधर हुआ है, इधर भी हो रहा है। अगर इस वीडियो पे कोई $100 भेज दे, मैं कल से जिम जाना शुरू कर दूंगा। अकाउंट नंबर डाल देने, चार हजार अकाउंट में था ये रहा अकाउंट, यूट्यूब पे डाल दे अकाउंट नंबर। एक महीने से पहले नहीं आएंगे, चार हजार भी नहीं आएंगे, अगले महीने आएंगे सारे। और सर उसने एक अमाउंट होती है, उससे पहले $100 से पहले नहीं, $100 से पहले $4000 कितने डॉलर होगा? $10 होगा नहीं, कितने हुए? $10 होगा, दस यूरो तो $10 हुआ था। यूरो समझ, यूरो कितने हुए तेरे पास? तेरे पास डॉलर तो थे काफ़ी हद तक तो। नहीं ये दो भी नहीं थे, लेकिन नहीं पाँच भी नहीं थे मेरे पास। कितने हुआ? $1, $3, साढ़े चार, तीन ये हुए, छः, तीन ये हुए, सात और पाँच बारह और दो चौदह $16 ऐसी हुआ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कितने हुए डॉलर? सोलह यूरो। Oh my God. ये लो $100, मजे करो। कहाँ भेजा? भेजना, भेजो। मैं कल से जिम जाना शुरू कर दूंगा, जिम का व्लॉग भी बनाऊंगा। भेजो कल से, भेजो अगला महीने ना। नहीं मैं कल से जाऊँगा। क्या 15 दिन की फीस देगा? मैं 15 दिन की फीस दूंगा, तुम भेजो। पैसा जात को बोलो, अपनी बॉडी बताओ उनको दिखाओ। नहीं बताओ क्या बताऊँ बॉडी मेजरमेंट्स? चेस्ट साइज मेरा बाइसेप साइज 13 इंच है, तेरा भी नहीं हुआ। कितना है? 13। बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर 17 होता है। चेस्ट साइज मेरा 40 से 45 देते रहो। बोलो अभी यूरो ज़्यादा दे हैं जानी मैम, अभी यूरो ज़्यादा देना। अगर कोई फैन हिंदी भेजना चाह रहा है तो भेज दे अकाउंट पे यार। तू क्यों मांग रहा है? तू बनाता है वीडियो लोगों के लिए? यूं मत गाना आपको बहुत करेगा। क्या हुआ आई और सुपर चैट जितनी आई वही बहुत लेकर किसी को भेजने, मुझे मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं लेकिन भी बहुत अच्छी या आप ब्लॉग अच्छे बनाते हैं। थैंक यू सर, हरकार भाई सर लाइक कर दो फटाफट से। लाइक का नहीं बोला मैंने वैसे। सरकार ये हमारा ग्रुप तो नहीं है? हरकार ग्रुप का सुहेल सरकार हमारे सरकार ब्रो और ऑब्सेस विद तेरा। आपके अब्बू कौन सा
से पैट पास हैंड है, क्या लिख दो समझ ही नहीं आता कुछ मेरे। एक बंदा लिख रहा है ये लो $100, $1000 लिख के भेज रहा है। अभी नेट नहीं चल रहा, कल भेज दूंगा। सर नहीं भाई, ओके भाई। अब्दुल वसी उसकी वजह कितनी पड़ रही है पता नहीं यार, 18 प्लस और नॉट 17 का तो हो गया हूँ मैं, लेकिन दिमाग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है। 5 साल के बच्चे से भी तीन घंटे लगा के दो डेफिनेशन याद करते हैं। एक घंटे में आपसे आया था, चार घंटे छुट्टी में 2 घंटे बाद ही मिलेगी, इससे फायदा नहीं है। 3 घंटे में ज़रा फायदा ना, ज़्यादा याद कर ले, ऐसे पेपर करी हुई है जी। तेरे पास तो कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है कि तेरे को पेपर आ जाए। कौन सा पेट पसंद है? पैट पैट की बात कर रहे हो तो मेरे अब्बा को तोते पालने का बहुत शौक था, फिर क्या बोलते हैं कबूतर पालने, कबूतर तोते मतलब जानवर, वो परिंदे पालने का बहुत शौक था, परिंदे पालने का शौक था, और बकरे पालने का, बकरे पालने का शौक था, मुर्गियाँ पालने का शौक था। फिर स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, परिंदे है या नॉर्मल? भाई मेरी तो स्ट्रीम नॉर्मल ही होती है, कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाता हूँ मैं, मतलब कुछ कुछ बातें ऐसी कर देता हूँ मैं जिसको सोच के बाद में खुद रिग्रेट होता है मुझे। इस बंदे ने इस दुनिया की पहली लैंग्वेज बनाई होगी, उसने बाद में वो किस लैंग्वेज में बनाया होगा। पहली लैंग्वेज तो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई होगी, बात कैसे करूँगा? पहली लैंग्वेज आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई होती थी ना, अरबी बनाई थी उन्होंने, अरबी से बात करी, बाकी उनको कैसे बताया कि अरबी छोटे बच्चों से अरबी है छोटे बच्चों को, अब छोटा बच्चा पैदा होगा वो तो कुछ भी नहीं पता उसको, तो पहली लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पहली लैंग्वेज अरबी के बाद जो पहली लैंग्वेज बनी ऐसे इंग्लिश बनी, उसने इंग्लिश बनाई तो बाकी उनको इंग्लिश में बोल रहा होगा, बाकी उनको समझ के सही। और बोलना अरबी, अरबी में, अरबी में इसका मतलब इंग्लिश में ये होता है ऐसा, पहली तो अरबी थी सही है ना, अरबी थी जो भी थी अरबी सही, अरबी थी चलो, ये शुरू अरबी के बाद अरबी थी चलो पहली, मतलब आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा को तो पता थी सही है ना, अब उनका जो बेटा पैदा हुआ उनने उनको ऐसे छोटे बच्चों से सिखाते अपन बोलना, वैसे उनको बोलना सिखाया, इंग्लिश बनाई जैसे फ्रेंच बनाई, उसने बाकियों को कैसे बताई कि उसने बाकियों को किस लैंग्वेज में समझाया होगा? उसको लैंग्वेज तो आती होगी ना कोई सी, ये बचपन से पैदा होती है उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी उस बंदे ने। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहस हो रही है, मैंने आपका एक स्केच बनाया है, ओ भाई मेरा भी स्केच बनाया है, भेजो भेजो अभी, मैं अगर भेजना चाहता हूँ मेरे को मेल जाओ। क्या 20 लाख हो तो क्या करोगे? मेरा 20 लाख हो तो मैं ना मुझे प्रोडक्ट नहीं करे और अभी तो इतना औकात से औकात में रहा, अभी तो औकात में रहा, 4 महीने तक औकात में रहा, 90 ग्रेड या 20 लाख हो तो सही है। सबसे पहले मैं एक मोबाइल खरीदूंगा आईफोन, या फिर एक कैमरा खरीद लूँगा जिससे मेरी व्लॉग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना, नहीं सही में मजाक के अलावा सोचा हुआ है मैंने, मेरी ऐसी अर्निंग आएगी मैं एक मोबाइल खरीदूंगा या तो कैमरा खरीदूंगा, मेरी व्लॉग की क्वालिटी बहुत बुरी है, लोग कमेंट नहीं बोलते हैं, मतलब वो अपना अटकेगा, वो फिर अटकेगा 128 होगा बहुत है, 200 मीतअप की बर्थडे। एक बात बोल दो, एक बात बोल दो, एक बात भाई, आज पेपर इंग्लिश का था, बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर, कैसा गया पेपर आपका? वालेकुम सलाम सैयद भाई, और स्पैम नहीं करो भाईजान, स्पैम के एक ही नाम के लोग होते हैं क्या? स्पैम के नाम का एक ही नाम के लोग होते हैं, जो जो नाम होते हैं उस नाम के एक ही नाम के लोग होते हैं क्या? नहीं हैदली क्यों आएगा मेरी लाइफ में? आजाद बिग फैन मानी भाई बोल रहे हैं, कौन सा मानी? आई फर्स्ट लैंग्वेज आई थिंक मिस्री थी एंड नॉट अरबी,
यार जो पहली लैंग्वेज जो थी आदम अलैहिस्सलाम किस तरह बात करते थे, आदम अलैहिस्सलाम तो अरबी बोलते थे ना, वो तो थी ना अरब। क्यों तुझे किसने बोला? तो कुरान में भी अरबी है, सब अरबी बोलते हैं। तो अल्लाह ने कुरान बनाया ना, कुरान तो बहुत बाद में बना है, उससे पहले भी सब अरबी बोलते थे। नहीं मैडम, अलग अलग लैंग्वेज बन चुकी थी उस टाइम पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उनपे कुरान नाज़िल नहीं हुआ था तब तक उनके चाचा वगैरह सब अरबी ही बोलते थे, अरबी ही सबसे पहली लैंग्वेज है वो। नहीं ऐसे पहली लैंग्वेज नहीं है, गूगल पर डाल सर्च करो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी लिखूंगा मैं। First language is Sumerian, Akkadian, Egyptian. According to Islam, in the world, in the earth, Egyptian. अरेबिक कॉल्ड क्लासिफाइड अरेबिक, सुन ले पढ़ ले पूरा पढ़ ले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम स्पोक वो अरेबिक, अरेबिक सुन लिया सुन लिया, ये लिखा हुआ ना आई एम कंफ्यूज्ड। अरेबिक भाई 100 में से 50 सही था। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ब्रो, ये अकाउंट नंबर क्यों मेंशन किया है? ऐसे ही फैन फंडिंग के लिए भाई, ईदी चाहिए, ईद का दामन ईदी चाहिए हमको ब्रदर, ओनली फॉर फन रीजन, सो फन फैन भाई शरीफ फन रीजन फैन फंड। कुरान तो पश्तो में भी है भाई, कुरान नाजिल होने की बात हो रही है भाई, नाजिल तो अरबी में हुआ था ना यार, ट्रांसलेट करा है इसके बाद लोगों ने, ट्रांसलेट तो भी उसमें इंग्लिश में भी हो जाएगा, हो चुका है उर्दू में भी हो गया ट्रांसलेट तो। अब्दुल्ला जीवानी सर, हेलो सर, क्या हाल चाल? मैं ऐसे लोगों को सुन नहीं पाता, उसने लिखा है सर। जीवानी भाई क्या हाल चाल? अब धन्नान को बोलो, उसका वो बड़ा वाला फैन आया है, धन्नान सो रहा है भाई। व्हाट लैंग्वेज इज दिस? नॉट लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज की है। फोल्ड फोन कैसे आया? मेरी मदर का है ये, मदर का, माई मदर फोन। ये फ़ोन ऐसे खोलो, अबे क्या जाहिल बनाए, ऐसे खोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे खोलोगे तो ये होता है। ख़राब है, ख़राब है। ईद मुबारक, जल्दी आदमी आ गया सर आपको भाई। आसमानी की टोटल किताब कितनी है? ए देखो पेपर चल रहा है मेरा, क्या हो गया बेटा, शोर क्यों कर रहे हो? क्या बोलते हो गाइस, लाइव एंड करें? हजात बिग फैन चला गया, हजात भाई बस भाई जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई यार मेरे को भी ना, खाना वाना खाना ही मैंने ठीक से खाया नहीं है। हजात की ईदी कितनी जमा हुई? हार है तेरी ईदी जमा कितनी हुई है तेरी ईदी? पता नहीं बोल रहा है आईफोन सेल क्यों करा, ब्लॉग बनाते कभी और बताएंगे आपको।
कभी मिल तो तुझको सुनाए हम ये दर्द दिल हम तुझको बताए हम। लाइफ पे मज़ा आएगा, फनी मीम लगा लो बस यार, एंड करो लाइफ में क्योंकि बहुत देर हो गई है। डन करो सर आप अपना उसका। हाँ यार मैं ना कदम मेरा और डन तो है, बाकी कंफर्म करना है बस। रुक जाओ मैं अभी आया हूँ। ओके ओके सर, आप जैसा आप कहें। रिस्पेक्ट पावर बनाना। वो शोर कर रही है। कल भी लाइव है। हाँ मैं कल भी लाइव आया था भाई। आज तो कह लो यूट्यूब की उसका मेरा ना सेकंड बेस्ट डे था मेरा यूट्यूब की स्टार्ट करने का। यूट्यूब के स्टार्ट करने के बाद सेकंड बेस्ट डे समझ लो, सेकंड बेस्ट डे। एक पहला दिन वो था जब मेरी मोनेटाइजेशन ऑन होती, और आज दूसरा दिन है जब मेरे को सुपर चैट आई है। मजबूरी हो गई सेल करा। हाँ भाई क्या बोलूँ मैं अब यार। एक और सवाल मार्वल किस किस ने देखी है? मार्वल की मूवीज किस देखी है पहले बताओ। हाँ सर नाइस सर, थैंक यू सर। एक और सवाल अपने पास है। मार्वल की मूवीज किस किस ने देखी है? पिन भी करा हुआ है और क्या खा रहे हो भाई? भाई मैं खा रहा हूँ खाना। घर लेना? ओके घर लेना 17 यूरो से कौन सा घर आ रहा है भाई? स्पाइडर आयरन मैन फॉर श्योर यार। आयरन मैन लव यू 3000 आयरन मैन। मैं
मैं बहुत बड़ा पाक क्या बोलते हैं आयरन मैन का फैन हूँ भाई, बहुत बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मूवी देखी नहीं, इतना बड़ा फैन हूँ पूरा स्क्रीन में भी नहीं आएगा। इससे बड़ा फैन नहीं यार। कामयाब होगा सबसे पहले क्या बाय करोगे यार? जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब एक घर खरीदूंगा अपने पैसों का, सही है, और अपने पैसों से अपने अम्मी अब्बू को उम्रा और हज करवाऊंगा। ये मेरा इन रियल लाइफ ख्वाब है कि अपने पैसों से अपने अम्मी अब्बू को हज और उम्रा करवाऊं। ख्वाब है मेरा भाई। रोज़े कितने रखे आपने? पूरे रखे भाई, ऐसी बात है यार, मेरे को सवाल थोड़ी है, मैं कोई लड़की थोड़ी ना छोड़ दूंगा रोज़े। बंगला भाई आपकी जात मतलब कास्ट पूछ रहा हूँ ना, कास्ट वो होती मीमन है मेरी का, कास्ट फ्यूचर में क्या प्लान है, जॉब या बिजनेस? यार बिजनेस का सोचा है लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, तो इंशाल्लाह। आपकी कैसी गुजरी? कुछ सो के कुछ घूम के बस गुजर गई। पहली ईद को अपन कहाँ गए थे? दावत में। हाँ पहली ईद को हम लोग दावत में गए थे, दूसरी ईद को हम लोग अरीना चले गए थे, फिर तीसरी ईद को हमारे घर पर दावत की। लकी बनाते हैं, लके बनाते हैं भाई। आप अगर किसी होटल में जाओ शेफ आप लके होते हैं। मैंने खुद बनाया खाना। रोज़ा लड़की रखती है बेटा, आपको वो देखो भाई, आप कौन नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ते हो? घर के पास वाली। भाई कौन सा बिजनेस सोचा है यार? बिजनेस सोचा है मैंने एक बेहतरीन सा बिजनेस, सही है। एक जगह अपन को लेनी है किराए पे, सही है। उस जगह को किराए पे लेने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, जीरो इन्वेस्टमेंट है मेरी, जीरो इन्वेस्टमेंट है मेरी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं एक बंदे को बोलूँगा कि आप मुझे अपना सामान दो, सही है। मैं फिर वहाँ बैठ जाऊँगा वो सामान लेके, या मैंने जो जगह ली होगी वहाँ मैं सामान लेके बैठ जाऊँगा, फिर लोग खुद आएंगे सामान लेके जाएंगे और पैसे दे के जाएंगे मेरे को। मेरे को कुछ भी नहीं करना, मास्टर माइंड प्लान है ये। प्लान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, मास्टर माइंड प्लान है, मास्टर माइंड ये। फिर जब एक महीना हो जाएगा, महीने के बाद फिर जो लोग पैसे दे गए होंगे पैसे मेरे पास होंगे, मैं पैसे एक कुछ उस बंदे को दे दूँगा, सामान लिया था और कुछ खुद रख लूँगा। कैसा प्लान है? मेरे को कुछ भी नहीं करना, सामान वो मुझे ला के देगा, लोग खुद आके सामान खरीदेंगे और काम खत्म। कैसा? हाँ कैसा प्लान है बताओ? बड़ा बेकार प्लान है। क्यों बेकार प्लान? देखो आप मेरे दिमाग सोचो आप कि आपका कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक चेयर पे बैठना है, वो बंदा आके आपको सामान दे के जाएगा, सामान आपको अपने पास रखना है, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। बंदे आएंगे सामान खरीदेंगे पैसे देंगे और चले जाएंगे, भाई पैसा आपके पास है, पैसे कुछ जो बंदा सामान लेके आया थोड़े पैसे उसको दिए, थोड़े पैसा आपने रख लिए। कैसा फिटूस बिग ब्रेन वाला, बिग ब्रेन वाला, समझे?
क्या प्लान है, क्या बिजनेस देख रहे हो? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई, वाह क्या थॉट है आपका, थैंक यू थैंक यू भाई। ये क्या दिया है स्क्रीन पे भाई? ये अकाउंट नंबर है फैन फंडिंग के लिए। इफ कुछ लोग क्या बोलते हैं फैन फंडिंग का बोल रहे थे मेरे को ईद से पहले, तो उनके लिए ये फैन फंडिंग के लिए है, जिनको पैसे वगैरह भेजने हो भेज सकते हैं। ये फोटो भी है और आप पिन भी करा हुआ है मैसेज अपन ने, कोई मसला नहीं है कोई। समझे बंदा आने के लिए कुछ और बंदे आने के लिए कुछ भी कुछ करना पड़ता है भाई। आप ऐसी जगह पे वो किराए पे लो जहाँ पे रश वाली जगह हो थोड़ी। आप लोग मेरी बात समझे नहीं, मैं इनडायरेक्टली दुकान खोलने का बोल रहा था लेकिन आप लोग का दिमाग पहुँच ही नहीं रहा वहाँ वहाँ तक। बंदा इनडायरेक्टली दुकान खोल ले बंदा, एवरेज मेमन माइंडसेट। अगर आप मेमन को हो या गुजरात तो अच्छे जानते हो, तो एवरेज मेमन माइंडसेट यही होता है कि दुकान खोलो और दुकान खोल के बैठ जाओ। कैसा किराया में भी हमदा नहीं मैं। गुड नाइट भाई। भाई मैं अपना प्लान समझ नहीं आया भाई। देखो आपने एक जगह किराए पे ली, सही है, एक जगह किराए पे ली आपने, सही है। किराए पे लेने के बाद आपने एक बंदे से बात करी जो बोलेगा ठीक है आप, वो आपको ला के देगा सामान, सही है, सामान ला के देगा, वो सामान लेके आप उस जगह पे बैठ जाओ, सही है। फिर लोग आएंगे वो सामान खरीदेंगे, पैसे देंगे, चले जाएंगे। फिर एक महीने बाद वो बंदा आएगा कि मैंने तुम्हें सामान दिया मुझे पैसे दो, तुम थोड़े से पैसे बंदे को देना, थोड़े पैसे खुद रखना, समझे। समझ गए। फेवरेट प्लेसेस है पाकिस्तान पूरे ही बहुत खूबसूरत है, कराची के अलावा। कराची भी खूबसूरत है लेकिन रेड मारी भी है, कभी और बात करेंगे। अल्लाह पाक को तरक्की दे, अमीन अमीन भाई, आमीन सुन रहा है अमीन भाई। फैसलाबाद से आपको लाइव देख रहा हूँ, थैंक यू भाई, आपको वहाँ तक हेलो। अल्लाह भाई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कैसे किराए पे है भाई? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा, किराया भी आपको मंथ के एंड में देना होता है मेरे ख्याल से, है ना। पहला महीना किराया आप निकाल लो थोड़ा सा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, थोड़ा किराया आप पहला महीना किराया आप दे दो, फिर इसके बाद अगले महीने से तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। कैसा बिग ब्रेन दुकान में प्रॉफिट होगा इतना, ऐसी बात है पूरी दुनिया काम कर रही है दुकान में। तो आपके अबू का काम करते हैं? मेरे अबू रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, खरीदना बेचना प्लॉट फ्लैट्स वगैरह, फ्लैट्स। भाई जान आपको कोई आपको भरोसा है? मैं भाई आपको कोई आपको भरोसा कर देगा तो किसी जानने वाले से लो ना। आपको कौन बोल रहा है कि कहीं भी चले जाओ आप? भाई जानने वाले होते हैं, कोई दोस्त वोस्त हो आपका जिसकी दुकान हो या कोई रिश्तेदार दुकान वाला हो, उससे आप पूछो सप्लाई कहाँ कर लेते हो आप, फिर उसके बाद राम दुआ और क्या बोलते हैं ये लो सामान।
तुम थोड़ा खोल कर खाओ। ओके ये सिविल लाइन वाले काम नहीं कर रहे, ये गटर इधर मैं गिरा हूँ, ये मेरी वीडियो, मैं मोहम्मद आजम, मेरी अच्छा आप सामान ले लिया, तो बंदा कहाँ से आते हैं, क्यों दुकान में बंदा खरीदने सामान नहीं आता क्या, आप सामान कहाँ से खरीदते हो जो आसपास का कोई सामान वगैरह होता है, दुकान से खरीदो, ऐसी बात है भाई। भाई मेमन बिजनेस से बहुत आगे हैं, सिर्फ कहने की बात है भाई, ये सारे मेमन नहीं होते भाई। थंबनेल दूसरा लगाओ, कौन सा लगाऊं यार, लैपटॉप में जो थे वही लगाया है मैं, डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे को वो वाला। तू नहीं उठा भाई, भाई मेमन मैं भी हूँ, जियो वीडियो देखी थी इंस्टा पर सेंड की थी, हाँ क्या बोलते हो भाई, वो लाइव एंड करें, गलत टाइम पे है भाई। आता था बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बस यार आई मैं जरा ना आज थोड़ा मूड मेरा वैसे ऑफ चल रहा था, लेकिन सरकार भाई ने दिल खुश कर दिया मेरा आज, सरकार भाई ने मजा दिला दिया, मजा समझ तो मजा सरकार भाई ने सुपर चैट भेज के पूरी यार, मैं अभी आई एंड नहीं कर रही हूँ, करो प्लीज़। अरे मैं थक गया बस यार, 2.25 घंटे हो गए मेरे को, 2 घंटे 20 मिनट हो गए भाई, वो क्रेडिट पर भी वो इतना माल नहीं देगा ना, है कौन सा माल का कहना नहीं, मैं कौन सा क्रेडिट, देखो मूड ख़राब नहीं करो से ना मेरा, अली शेर भाई अच्छे से बात कर रहा हूँ, मूड खराब नहीं मेरा, मैं कुछ फिर उल्टा पुल्टा जवाब दूंगा फिर आपको बोलोगे मैं कुछ बोलूँगा ना, मूड ख़राब होगा भाई, ऐसे चिल रहो चिल। वैसे आज का दिन मेरा ऐसे ही था, सोते हुए गुजरा पूरा और ऐसा मतलब, लेकिन आज मेरा समझ लो एक तरह से बेस्ट दिन हो गया मेरा तो, सामान वो आपको मिलेगा पैसा आपको, तो भाई जितने का सामान, जैसे कि आप एक से, जैसे कि ये बोतल है सही है, इसकी बोतल की प्राइस होल सेल में है 50 रुपये सही है, होल सेल मार्केट में, मैं इसको यहाँ कराची में बेचूँ मतलब यहाँ मार्केट में बेचूँ कोई सी भी 100 रुपये की, 50 रुपये का फ़ायदा हुआ मुझे सही है, अब वो बंदा आएगा जब मैं उसको 60 रुपये दे दूँगा, समझे 40 रुपये मेरा बचे ना, अकाउंट नंबर किस चीज़ का है, ये अकाउंट नंबर मेरा है फॉर फैन फंडिंग, ओके इससे पहले थोड़ा टाइम पहले किसी ने पूछा था मेरे से कि फैन फंडिंग वगैरह क्या बोलते हैं, फैन फंडिंग का लोग पूछ रहे थे मेरे से कि फैन फंडिंग करनी कैसे करें, इसके लिए मैंने अब्बा से अकाउंट नंबर ले लिया है, अब्बा अकाउंट मैंने ले लिया है वाला,
समझे, तो ये अकाउंट नंबर इसलिए रखा हुआ मैंने, अगर किसी को फैन फंडिंग करनी हो या मेरे को किसी ने कोई गिफ्ट देना हो, पैसे देने हो, तो ये भेज सकता है, ठीक है ना। अब्दुल उठ गया है, उसकी आवाज़ आई, हो ही नहीं सकता, मेरे को न्याय साहब को आ गई। भाई लाइफ कब तक एंड करोगे, बस कर रहा हूँ यार, बहुत देर हो गई बस यार, ब्लॉग भी एडिट करना है मुझे। हेलो हेलो हेलो, कोई स्पैम कर रहा है भाई, शाइनिंग वाला सो रहे भाई। आप तो मेरी हैं क्या हो भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे यार कब तक, थोड़ी देर 12 बजे तक रुक जाऊँ, 5 मिनट 12 बजने में। कोई नहीं लगा भाई इसका, अच्छा मैं दोरा कैन से ले लूँगा, समझा नहीं मैं। आपकी आईडी कार्ड कब बनेगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह? इस साल आपका भाई होगा 17 साल का, 17। भाई आप मेरा YouTube चैनल नहीं देख, इब्बी शेख ब्लॉग नाम है, इब्बी शेख शाइनिंग शाइनिंग शाइन शाइनिंग शाइन। हाय हेलो भाई हेलो। अरे अकाउंट नंबर किस चीज़ का बता तो दिया भाई, फ़ैन फंडिंग के लिए, अगर किसी फ़ैन को मुझे कोई गिफ्ट वगैरह भेजना है, और जो पहले लोग पूछ रहे थे मेरे से बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड यू कैन जे। मज़ा आ गया आज तो सुपर चैट। हाँ भाई कब से मज़ा आ गया, और क्या पसंद है सुपर चैट? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पूरा पसंद मतलब हमदा नहीं है। मैं किस चीज़ में भाई, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ भाई। मैं अभी बिजनेस करूँगा ही नहीं है, मैं कर ही नहीं रहा। मैं आपको हमने बड़ा इनसे वॉइस भेजूँ, किस चीज़ की वॉइस? बोर्ड एग्ज़ाम का भी पता नहीं आ रहा, ईद से वगैरह इससे पहले। ओके गाइस लाइव ऐड कर रहे हैं, बहुत देर हो गई यार बस। मुश्किल है, कोई भेजेगा इजी पैसा अकाउंट का जुगाड़ मारो तो फिर देखना पैसा ही पैसा। अरे इजी पैसा यार करते हैं, ये वायरस के भाई ने इजी पैसा का नंबर दिया है, अभी तक कॉल कर रहे हैं लोग उसको, वीडियो कॉल कर रहे हैं भाई। डोनेशन के लिए दिया था अकाउंट नंबर, लोग तो पता नहीं क्या हो गया इन लोग को। बहक कौन सा है बहक यार, हमने समझ नहीं आया, नंबर बदल लो, समझा नहीं मैं, नंबर बदल लो क्या मतलब? मैंने अगर अपने नंबर से इसी पैसा बनाया उसको बदलूँ कैसे फिर? अकाउंट नंबर बिना क्या मसला है? आपके पास कोई मीज़ान बैंक है या सुनहरी बैंक है, कोई से बैंक है आपके पास, अकाउंट नंबर डालो भेज दो। IBN नंबर चाहिए, IBN नंबर ये लिखा हो, PK12SONE। और अगर अकाउंट नंबर का भेज रहे हो तो ये रहा 00392220 ये लिखा हुआ, 0039 ब्रांच कोड है। बैंक से भेजना मुश्किल तो नहीं है क्या? हो गया यार,
कितने भेजने भेज सकते हो आप? अली हसन भाई अपना अकाउंट नंबर दिया था, आप मेरा अकाउंट यूट्यूब अकाउंट खोलेंगे तो उसमें चेक होगी डोनेशन स्ट्रीम, उसके अंदर मैंने स्ट्रीम की थी डोनेशन के लिए, और उस स्ट्रीम के बाद वीडियो आई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार करवा दिया, ऐसे ही कोई नाम लगा अकाउंट वीडियो का नाम, नाम चेंज किया था बाद में मैंने। वीडियो का नाम है डोनेशन वाले पैसे से इफ्तार करा दी, समझे? उस पैसे से हमने इफ्तार करवाई थी, वो डोनेशन ख़त्म हो गई थी। अभी जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है मैंने, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर है, और ये मैंने इसलिए लगाया है फॉर फैन फंडिंग, क्योंकि पाकिस्तान में सुपर चैट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपन ने ये लगाया है फैन फंडिंग के लिए। ओके, चलनी होती है बार बार अटक जाती है प्राइवेट टूर्स चलाए। हेलो, अब आवाज़ आ रही है मेरी? मुनीफ जहान भाई बोल रहे हैं जो पसंद है वो नहीं बोला, जल्दी करो यार। अगर आपको कहीं में कुछ गिफ्ट करना है मेरे को जूते गिफ्ट करो, सही ना? लैपटॉप कौन सा है आपके पास? इंटेल कोरे i5। हेलो इब्राहिम, हेलो कौन बार इसके हेलो, आप लैपटॉप कौन सा आपके पास? मेरे पास लैपटॉप ये है कोरे इंटेल i5 है, कोरे i5, लेकिन बकवास है, कुछ भी इसमें चलता नहीं है, सिटी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो जाती है। दुबई से कैसे भेजूँ? पैसे भेज दो भाई। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का ओके डन, थैंक यू। दुबई में वो तो सुपर चैट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो, बल्ले करनी नहीं करनी वो आपकी मर्जी है। मुनीब जहान सुपर चैट कर दो, हाँ ये भी कर सकते हो आप। मेरे को और भी याद आया, सुपर चैट का ये होता है 30% यूट्यूब रखता है, 70% इधर आ जल्दी। अबे इधर आ, तो आ जा। और लोग नहीं भेज रहे सुपर चैट, एक ही बंदे नहीं भेजी सरकार से। गाइस अब्दुल आ गया, उठ गया अब्दुल, आंखें देख सकते हैं, आंखें दिखा दे भी, जो भी उठा है दादा इन लोग को भेजने भी पैसे भाई सुपर चैट कर दो। अवेलेबल नहीं है भाई, दुबई में कैसे अवेलेबल नहीं है? दुबई में तो होती है, मैंने अभी 300 भेजे हैं, चेक करो। लॉग अपलोड क्यों नहीं हुआ? हुआ तो होगा, क्यों नहीं हुआ है? तूने कर दिया क्या? शेड्यूल पे लगाया तो था।
सामने उन्होंने कब ए एम ना ए एम लगा दिया होगा मैंने, है ना, है ना। अभी रात के 3 बजे होगा फिर वो अभी बंदे ने बोला है ना, बंदे ने बोला था कि क्या बोलते हैं भेज दिए पैसे सफर में, चेक करता हूँ अभी, झूठ झूठ बोल लो कि सच बोल लो, सही चेक कर रहे सफर अभी चेक करते सफर नहीं बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? पासपोर्ट थोड़ी दिखेगा, तुम कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, दिख सकता है क्या, हो सकता है मोबाइल तो रिया है क्या, मेरा क्लिक भी नहीं हो रहा, लॉल अरे मेरा गेम खुल रहा है यार अभी, चल मेरा मोबाइल नहीं काम कर रहा, सबर अभी नहीं बाद में देखूंगा मैं, इसका इंतज़ार था वो आ गया। अब्दुल तेरे को तेरी बात हो रही है, कार कौन सी, कार भी गिफ्ट करोगे हैं, कार कौन सी पूछ रहे हैं, कार मुझे अगर अगर वैसे अगर वो तो मुझे लैंड क्रूजर पसंद है, V8 लैंड क्रूजर निशान जीटिया मैं वैसे है, अगर पाकिस्तान में अगर कुछ चलानी हो तो डाला बकवास है, सेट किया है, नंबर डिलीट हो गए हैं सारे, तो इंशाल्लाह वो है जरा गिफ्ट दुबई से पक्का है। ओके ओके भाई चलो मैं टॉय दे दूंगा, इधर वो थोड़ी चल रहा है, चल यार लाइव एंड करें, बहुत देर हो गई यार, आप टॉय नहीं, आप टॉय के पैसे दे दो मुझे, यहाँ से मांग नहीं रहा किसी से, है ना, ऐसे बोलने के यार ये तो लाइव पा के पैसे मांगता है और ये करता है वो करता है, मतलब अगर किसी को भेजना है तो भेज सकता है भाई, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट फाइनेंशियली यू कैन सेंड मी। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है यार, फिलहाल तो मेरे को दिमाग में नहीं है, ओके भाई मिलते हैं फिर आपसे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, सही है आज की लाइव बेस्ट लाइव स्ट्रीम।
मैं टाइटल चेंज कर रहा हूँ, बेस्ट लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। करंट नंबर नहीं आया व्हाट्सएप, काफ़ी दिन हो गए चैट नहीं की, करंट नंबर नहीं है आपका, वही नंबर एक्सेप्ट हो, देख लो आप बताइए। मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे फिर, ओका फिर सही है भाई, मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना भाई, सही है आपका भाई, मिलता है आपसे थोड़े टाइम बाद फिर, सही है इंशाल्लाह, दुआ में याद रखना, ओके अल्लाह हाफिज़।